गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। हम लोग अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पार्ट थ्री तक वी हैव डन आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम। पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस, मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं वहां पर, देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट आर हेड्स ऑफ इनकम। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट्स विच आर देयर इन डिडक्शन चैप्टर, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, जिसको हम चैप्टर 6AB बोलते हैं। एंड यू अंडरस्टैंड 80C से लेकर 80U तक यहाँ पर सेक्शंस कवर होते हैं। बहुत माइनर अमेंडमेंट्स आई हैं, देर आर ओनली 3 सेक्शंस विच आर रिलेवेंट फॉर आर सिलेबस फॉर CA इंटर, जहाँ पर अमेंडमेंट्स आई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स जो होने वाले हैं मई 2021 में। इक्वली रिलेवेंट है ये लेक्चर नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिडक्शंस, जहां जहां पर अमेंडमेंट्स आई हैं। अभी आप सिर्फ देख लीजिएगा, 3 जगह पर अमेंडमेंट हैं। जब मैं बातें करता हूं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, क्या नाम है इस चैप्टर का दूसरा, चैप्टर 6A, 80C से लेकर 80U तक सेक्शंस कवर होते हैं। कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं जहां पर अमेंडमेंट है? सेक्शन 80EEA, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80, बहुत माइनर अमेंडमेंट्स हैं ये, 80G, एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 80GGA। तो 3 सेक्शन में बहुत माइनर अमेंडमेंट्स आई हैं। अच्छा, आपको 80G तो याद आ गया होगा एकदम, ठीक है। 80G इज फॉर डोनेशंस, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जब आप डोनेशंस देते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फंड्स वहाँ पर आते हैं, क्लीन गंगा फंड एट्सेट्रा, जहाँ पर 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शन, क्वालिफाइंग लिमिट वगैरह भी आप चेक करते हैं। तो 80G तो आई बिलीव कि आपको याद आ गया हो एकदम, बट 80EEA कुछ स्टूडेंट्स को शायद याद ना आया हो, 80GGA भी शायद ऐसी होगा, ठीक है। मैं थोड़ा रिवाइज भी करा देता हूँ पुराना सेक्शन क्या कहता था और क्या अमेंडमेंट्स भी आई हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद 80EEA। 80EEA होता है हमारा, यहां पर देयर इज एनी इंडिविजुअल जो अपने लिए फर्स्ट टाइम रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, रेसिडेंशियल हाउस, अब आपको याद आ गया होगा, ठीक है। हम इसको ऐसा बोलते थे, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, जो अपने लिए फर्स्ट टाइम रेसिडेंशियल हाउस खरीदते थे उनके लिए डिडक्शन मिलती थी। कितनी डिडक्शन है? जब आप लोन लेते हैं, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जो इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट पोर्शन, वो हमें डिडक्शन मिल जाती है। अब आपको पता है जब हम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते हैं 24B में, देयर इज ऑल्सो इंटरेस्ट की डिडक्शन है, बट दिस इज ओवर एंड अबाउट 24B। 24B के एडिशनल डिडक्शन 80EEA की होती है, जहां पर हम लोग, पुरानी बातें कर रहा हूं, अभी तक मैंने कोई अमेंडमेंट डिस्कस नहीं की है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या कहते थे 80EEA के, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए ये सेक्शन। तो वहां पर लिखा हुआ था कि अगर 1,50,000 रुपीज तक का आपका इंटरेस्ट अलाउड होता है 80EEA में, याद आ गया आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक घर खरीदा है अपने लिए, लेट्स से 40 लाख रुपीज का वो घर खरीदा है और उसके लिए लोन लिया है इन्होंने, 40 लाख का घर खरीदा और उसके लिए इन्होंने लोन लिया है, और लेट से उसका इंटरेस्ट है 3,10,000 रुपीज, 3,10,000 रुपीज का उसका इंटरेस्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर था मिस्टर ए का, अपने लिए फर्स्ट टाइम घर खरीदा गया था। तो हम लोग सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते थे, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, NAV 0, 24A स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ NAV, अगेन इट वुड बी 0 बिकॉज़ NAV 0 है। 24B वहां पर लिमिटेड रहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, कितना, 2 लाख रुपीज तक। तो ऑल्दो ही इज पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 3,10,000, 3,10,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 लाख रुपीज तक रिस्ट्रिक्टेड रहता था। तो आउट ऑफ 3,10,000, 3,10,000 मेरा सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, तो 3,10,000 में से 2 लाख की तो हमें डिडक्शन मिल गई 24B में,
बाकी का हमारा जो 1,10,000 का जो इंटरेस्ट एडिशनल जा रहा है उसकी कोई डिडक्शन नहीं होती थी। तो उसके लिए सेक्शन 80EEA कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है जिसकी आप डिडक्शन वहां पर नहीं ले पाए थे 24B में, ठीक है 24B में 2,00,000 की ले पाए, बाकी के जो 1,10,000 बच गए, जो भी अमाउंट बच गया है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं, बट मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज। ये सेक्शन हुआ करता था। हाँ एक और बात थी यहाँ पर, जो आप घर खरीद रहे हैं उसकी मैक्सिमम स्टैम्प वैल्यू 45 लाख से ज्यादा की ना हो, मतलब आप एक अफोर्डेबल घर खरीद रहे हो, ऐसा नहीं कोई लग्जरी विला वगैरह आप खरीद रहे हो उनके लिए डिडक्शन नहीं है। ये डिडक्शन है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, जो अपने लिए अपने अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने घर अपने एक छत चाहते हैं, ठीक है दे रिक्वायर अ हाउस, उन लोगों के लिए डिडक्शन है। बहुत बड़ा घर नहीं, 45 लाख तक का ये घर होना चाहिए था, ठीक है। ये सारे प्रोविजन सेम है, पहले भी थे आज भी ये प्रोविजन सेम है। चेंजेस कहां पर आए हैं, पहले ये लिखा होता था कि अगर आप जब लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो लोन की जो सेंक्शन डेट है, द सेंक्शन डेट मस्ट बी बिटवीन, ठीक है बोथ द डेज इंक्लूसिव, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में वो लोन सेंक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है ये 2 साल दिए गए, बोथ द डेज इंक्लूसिव, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अगर आपका लोन सेंक्शन है तो यू कैन गो एंड क्लेम 80EEA। इस डेट के बाद अगर लोन सेंक्शन हो गया तो आपको 80EEA नहीं मिलेगा, ठीक है ये सेक्शन होता था। चेंजेस क्या है, बस इस डेट को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, इस डेट को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पर अब 1 ईयर और ऐड हो गया है, तो अब क्या डेट हो गया, नया प्रोविजन क्या कहते हैं कि आपकी सेंक्शन डेट हो 1 अप्रैल 2019, वो तो सेम है 2019, बट आपकी जो 31 मार्च 2020 हो रहा था तो दे हैव एक्सटेंडेड 1 मोर ईयर, 31 मार्च 2021 तक भी अगर आपका ये लोन सेंक्शन हुआ है तो अगेन यू आर एलिजिबल। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल अमेंडमेंट, बहुत माइनर अमेंडमेंट है ये, कि आपकी जो सेंक्शन की डेट थी वो 1 साल और बढ़ा दी गई है, ठीक है समझ में आ गया। सो दिस वॉज 80EEA, ठीक है लिखने की आप चाहें तो लिख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है, ये मैं बुक में मैंने दिया है, एक बार बुक से देख लें आप अपने नोट से, अमेंडमेंट नोट से देख लीजिएगा सेक्शन 80EEA। क्यों मिलता था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन, आपने एक लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पोर्शन प्रिंसिपल का नहीं, प्रिंसिपल का तो आपको पता है 80C में मिलते हैं प्रिंसिपल की डिडक्शन तो, बट दिस इज अबाउट इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट जा रहा है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, बट हाँ 2,00,000 की डिडक्शन तो आपको वैसे ही मिल जाएगी 24B में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी आपकी, बट उससे ज्यादा भी इंटरेस्ट अगर आपका जा रहा है तो 80EEA कहता था कि हम 1,50,000 तक की डिडक्शन दे सकते हैं। आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हो, 45 लाख से ज्यादा की उसकी स्टैम्प वैल्यू ना हो, और आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो, फर्स्ट टाइम होम बायर जब आपका लोन सेंक्शन हो रहा हो, आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए डिडक्शन हुआ करती थी। चेंजेस क्या आए हैं, बस इतना छोटा सा चेंजेस यहां पर आया है। पुराने प्रोविजन क्या कहते थे, द लोन मस्ट बी सेंक्शन बिटवीन 1/4/19 to 31/3/2020, अब यहां पर 1 साल और ऐड कर दिया गया है 31 मार्च 2021। तो दिस इज एन अमेंडमेंट, तो ये अमेंडमेंट है 80EEA में। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं 80G की। अच्छा मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में, ऑल दो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी 80EEA के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये अमेंडमेंट एक्चुअली क्यों आई है, एक सेक्शन होता है जो हमारे कोर्स में नहीं है, दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ CA इंटर, फाइनल में हम लोग पढ़ते हैं वो, एक सेक्शन है सेक्शन 80IAB, 80IAB एक सेक्शन है, वो ये कहता है कि अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हैं, अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हैं और अगर आप एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, ठीक है सब लोग समझ गए, समझ पा रहे हैं बिजनेस, थोड़ा सा बस थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में। तो 80IAB में लिखा हुआ था कि अगर आप एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, मतलब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स विद एन अप्रूवल
ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स आते हैं वो एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे, वो एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे, 80IAB में लिखा था। बट वहां पर ये लिखा हुआ था कि वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए था 31 मार्च 2020 तक, तभी आप एलिजिबल हैं डिडक्शन लेने के लिए। 80IAB में तब आ सकते हैं जब आपका वो प्रोजेक्ट इस डेट तक अप्रूव हो जाए। वहां पर एक साल बढ़ाया गया, वो अब 31 मार्च 2021 हो गया है। तो यानी कि जो लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनका अप्रूव हो रहा है 31 मार्च 2021 तक भी, एक साल एक्स्ट्रा जो दिया गया है वहां तक भी अप्रूव हो रहा है, तो भी वो लोग 80IAB में डिडक्शन ले सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो डिडक्शन, वो जो एक्सटेंशन एक साल की गई है, वो यहां पर भी करनी पड़ी 80EEA में। ठीक है, सब लोग समझ गए कि ये डिडक्शन, ये अमेंडमेंट क्यों आई होगी। ठीक है, ऑल्दो आपको करना नहीं था, वो आपके सिलेबस में भी नहीं था, आपको बस छोटी सी बात याद रखनी है कि 80EEA की जो हमारी लोन सेंक्शन की डेट होती थी उसको एक साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, सो दिस वॉज 80EEA, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है 80G। इसमें भी एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट आई है और बहुत लॉजिकल है, और इसके बारे में शायद मुझे लगता है कि आप जानते भी होंगे। पहले मुझे बताइए, रिवाइज करते हैं पहले, 80G होता क्या था? सर 80G होता था कि डोनेशन देते थे हम किसी अप्रूव्ड जगह पर, किसी फंड में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में जो अप्रूव्ड होता था, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तो वहां पर हमें डिडक्शन मिलती थी। कुछ जगह पर 100% डिडक्शन मिलती थी, कुछ जगह पर 50%, याद आता है 50%। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, वहाँ पर 50% मिलती थी। तो एक जगह पर तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाती थी, कुछ जगह ऐसी होती थी यहाँ पर 50% मिलती थी, कुछ डोनेशंस ऐसी होती थी वहाँ पर आपको 100% तो मिल तो जाएंगी बट वहाँ पर क्वालिफाइंग लिमिट चेक करते थे, और कुछ जगह पर 50% थी, क्वालिफाइंग लिमिट चेक होती थी। पुरानी बातें हैं, ठीक है, आपको याद आ गया होगा, हर जगह पर 100% नहीं था, कुछ 50% भी था, और कहाँ और कुछ जगह पर हम क्वालिफाइंग लिमिट भी चेक करते थे। अब आपको याद आ रहा होगा ये जो 100% वाला पोर्शन था, ये जो कैटेगरी थी 100% वाली, यहाँ पर बहुत एक लंबी लिस्ट आती है। ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन फंड आता है, नेशनल स्पोर्ट्स फंड आता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड वगैरह यहाँ पर आते थे। उसी लिस्ट में एक फंड और ऐड कर दिया गया है, ठीक है, उसी लिस्ट में एक फंड और ऐड कर दिया गया है, और शायद आप इसका नाम जानते होंगे, आपने लॉकडाउन के टाइम पर ये नाम बहुत सुना होगा, पीएम केयर्स। ठीक है, फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑल द बुक में लिखी हुई है पीएम केयर्स। तो पीएम केयर्स का आपने नाम सुना होगा, आप को व्हाट्सएप मैसेजेस आते होंगे, न्यूज में काफी हम देखते थे पीएम केयर्स पे डोनेशन दीजिए, आरोग्य सेतु ऐप जब हम ओपन करते थे तो वहां पर भी आता था डोनेट इन पीएम केयर्स फंड। तो पीएम केयर्स फंड में भी आप डोनेशन कर सकते हैं, उसी लिस्ट में ऐड हो गया, 100% की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। बस इतनी अमेंडमेंट आई है पीएम केयर्स के लिए। ओके, अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे, 80G डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन फंड्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो कोविड के टाइम पर, ठीक है, उस इमरजेंसी के लिए ये फंड आया, पीएम केयर्स फंड, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं इसका नाम, इज एडेड इन द लिस्ट ऑफ 100% डिडक्शन, ये 100% वाली लिस्ट में एड हो गया। सो दिस इज अनदर अमेंडमेंट इन 80G। तो 80EEA में छोटी सी अमेंडमेंट, एक साल बढ़ा दिया गया, 80G में एक छोटी सी अमेंडमेंट, एक फंड और इंक्रीज कर दिया गया है 100% की लिस्ट में। डन, ओके। और एक और छोटी सी अमेंडमेंट आई है 80GGA में भी। ये 80GGA क्या होता है याद कीजिए, ओके। अच्छा, आपको एक सेक्शन याद है, पक्का आपको याद होगा, सेक्शन 35 PGBP में पढ़ते हैं, सेक्शन 35। सर ये तो बहुत अच्छे से याद है, PGBP में होता है ये सेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चा करते हैं या फिर आउटसाइड रिसर्च भी कराते हैं, मतलब डोनेशन भी देते हैं, तो आपको सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाती थी, 100% डिडक्शन मिल जाती है। बट अगर आप एक बिजनेस असेसी हैं तो सेक्शन 35 में मिलता था,
इन केस द असेसी इज अ नॉन बिजनेस असेसी, नॉन बिजनेस मतलब उसकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं आती है, ही डजंट हैव इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, क्या ऐसा व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन मिस्टर ए, मिस्टर ए की सैलरी इनकम आती है, कितनी सैलरी इनकम है फॉर एग्जाम्पल इनकी 50 लाख रुपीज, पूरे साल में 50 लाख रुपीज इनकी सैलरी इनकम आती है, तो ही इज अर्निंग डिसेंट अमाउंट, 50 लाख की इनकी इनकम आती है और ये IIT को, नेशनल लेबोरेटरी को, किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देते हैं. माई क्वेश्चन टू यू इज, ध्यान दीजिएगा, माई क्वेश्चन टू यू इज, बिकॉज ही इज अ सैलरीड असेसी, ही डजंट हैव इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, क्या इन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपीज की डोनेशन दी है फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू नेशनल लैब, IIT एटसेट्रा को अप्रूव्ड जगह पर, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 35 डिडक्शन, क्या इनको 35 सेक्शन के अंदर, सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाएगी, 1 लाख, लेट्स से इन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं यहां पर, द आंसर इज नो. व्हाई नॉट? बिकॉज सेक्शन 35 में आने के लिए आपकी इनकम पीजीबीपी में होनी चाहिए थी, एंड इफ यू डोंट हैव इनकम फ्रॉम पीजीबीपी तो आपके लिए सेक्शन बना हुआ था 80GGA, तो 80GGA उन लोगों के लिए है, दोज पीपल हु डजंट हैव इनकम फ्रॉम पीजीबीपी. ठीक है, यहां पर और क्या आता था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप पैसा दें, रूरल डेवलपमेंट के लिए आप पैसा दें, अर्बन इरेडिकेशन के लिए आप पैसा दें, क्योंकि बिजनेस वालों के लिए तो इसके सेपरेट सेक्शन बने हुए 35CCA वगैरह. बट अगर आप एक नॉन बिजनेस असेसी हैं, लेट्स से आपकी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, कैपिटल गेन आया ऑफिस वगैरह से इनकम आती है, पीजीबी भी नहीं आता है, बट स्टिल यू हैव डिसेंट इनकम, आप डोनेशन भी दे देते हैं, तो आप 80GGA में डिडक्शन ले सकते थे 100% की. ठीक है, बट हाँ, कैश में पैसा नहीं पे होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको पे करना है तो कैसे आप पे करें, अकाउंट पे ही चेक से कीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट से दीजिएगा, नेट बैंकिंग कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कीजिए, UPI वगैरह यूज कर लीजिए आप. तो यहाँ पर कैश में पेमेंट आप कर सकते थे अगर करना चाहते हैं तो, मैक्सिमम 10,000 रुपीज, यहाँ पर 10,000 अलाउड था, कि 10,000 से ज़्यादा अगर आपको करनी है तो कैश में मत करना वो डोनेशन, वो फिर पूरा डिसअलाउ हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को 11,000 की पेमेंट कर दी कैश में, किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रूरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो ये फिर पूरा डिसअलाउ होता था. सर ऐसा होता था क्या, 10,000 अलाउ करता थे, 1,000 डिसअलाउ करते, नहीं, फिर पूरा डिसअलाउ होता था इफ़ यू आर मेकिंग पेमेंट मोर देन 10,000 इन कैश. ठीक है, समझ में आ गया. तो वहां पर लिमिट थी कि अगर आपको कैश में पैसे पे करने हैं तो 10,000 तक आप पे कर सकते हैं, वो अलाउड रहता है. 10,000 से ज्यादा अगर आपको पे करने हैं, किसी भी जगह पर कंट्रीब्यूट करना है, डोनेशन देनी है, तो इट शुड बी नॉट बाय वे ऑफ कैश. बस अमेंडमेंट बस इतनी सी आई है कि इस लिमिट को कम कर दिया गया, 2,000 रुपीज कर दिया गया. 80G में तो पहले से 2,000 थी, अब इसमें भी ऐसा कर दिया गया है कि अगर आपको कैश में पे करना है तो 10,000 की लिमिट को कट करके कर दिया गया है 2,000 रुपीज से ज्यादा कैश में पे कर देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा. इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में ये. ठीक है, पूरे क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट आ जाएगा कि असेसी इज अ नॉन बिजनेस असेसी और ही हैज मेड पेमेंट टू सच एंड सच इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 3,000 इन कैश. 3,000 अलाउड है क्या? नहीं, आप बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. पूरा का पूरा 3,000 की आप कोई डिडक्शन नहीं देंगे. ठीक है, आप उसकी कोई डिडक्शन नहीं देंगे और नीचे नोट लिख देंगे बिकॉज इट इज मोर देन 2,000 रुपीज. 2,000 तक अलाउड है, 2,000 से ऊपर अलाउड नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब दोनों में ही इनफैक्ट 80G में तो पहले से था 2,000 से ज्यादा कैश में नहीं देना, यहां पर भी 80GGA में भी 2,000 ही हो गया है. सो दीज आर द अमेंडमेंट्स एंड डिडक्शन चैप्टर. ठीक है, छोटी छोटी अमेंडमेंट थी, मैंने कहा था बहुत माइनर अमेंडमेंट आई है. तो अगर आप वापस आए अपने नोट्स में 80GGA में डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट एटसेट्रा, तो ओल्ड प्रोविजन में 10,000 तक था, अब 10,000 कट हो गया है. अब अगर आपको कैश में पेमेंट करनी है तो 2,000 से ज़्यादा की ना करें, 2,000 तक कर सकते हैं, 2,000 से ऊपर अगर आपने पेमेंट की है तो अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, सो दीज वर अमेंडमेंट्स इन दिस चैप्टर, वेरी माइनर अमेंडमेंट्स. ठीक है, इम्पॉर्टेंट हाँ बिल्कुल हो सकती हैं. देखिए, दो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, हमें 15-20 मिनट लगे हैं और हमने ये पूरा चैप्टर की अमेंडमेंट्स कवर कर लिए हैं. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर अमेंडमेंट्स आई हैं, TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. ठीक है, कुछ अच्छी अमेंडमेंट्स हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। स्पेसिफिकली दो सेक्शंस हैं जैसे 194N, 194O, वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। 194O नया ऐड हुआ है, 194N पुराना था, उसमें काफ़ी चेंजेस भी आ गए हैं। मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ इसकी अमेंडमेंट। सो लेट स्टार्ट विथ TDS, ठीक है। सो फाइल डिस्कस अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू TDS। ये दो सेक्शंस तो ऐसे हैं जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑलरेडी डिस्कस्ड डिस्कस्ड विद सैलरी अमेंडमेंट, याद है आपको? इन केस देयर वाज एन एलिज देयर इज इन फैक्ट देयर इज एलिजिबल स्टार्टअप, एक एलिजिबल स्टार्टअप है, वो अपने इम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर से ESOPs देते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली मैंने बताया था एलिजिबल स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप्स हैं, इनके पास थोड़ी फंड्स की प्रॉब्लम है, अच्छे इम्प्लॉयज रिक्रूट करना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल ज़्यादा सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इन दैट केस दे गिव ESOPs या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स टू देयर इम्प्लॉयज। क्या इस स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर इंप्लॉयज को टैक्स देना है? हाँ, देना तो है, टैक्स तो लगेगा, बट डिफर कर दिया जाता था वो टैक्स। तो अकॉर्डिंगली हमने बातें की थी कि कितना टाइम तक डिफर किया जाता था। 3 पॉइंट्स थे वहां पर, 4 साल तक, जब जब हमने आपको ESOPs दिए हैं उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड में आ जाइए, वहां से 48 मंथ्स तक, या फिर जब तक आप ये ESOPs या शेयर्स सेल आउट नहीं करते हैं। लास्ट था अगर वहां से रिजाइन या टर्मिनेट अगर हो गए, मतलब जॉब छोड़ दी, ठीक है। इन तीनों डेट से, जो भी पहले डेट आएगी वहां से 14 डेज के अंदर अंदर टैक्स पे करना पड़ता है। तो सेम सेक्शन 192 में यही बातें डिस्कस थी, तो अब मैं दोबारा से रिपीट, हम कोई फायदा नहीं करने का, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड, आई सपोज सेकेंड पार्ट में था ये डिस्कस हुआ था, जहां पर हमने सैलरी डिस्कस किया था। तो प्लीज आप 192 और 191 दोनों वहां से आप रेफर कर सकते हैं, विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। आई एम कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। इनफैक्ट ये सेक्शन ना 194 पहले से था, बट इतना ऑपरेटिव नहीं था। रीजन बींग मैं इस तरीके से समझाता हूं, मैं बातें कर रहा हूं डिविडेंड की, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि डिविडेंड आज अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ता है। IFOS में हम इसकी बातें भी कर चुके हैं। पहले क्या होता था, लेट्स से देयर इज अ कंपनी, लेट्स से देयर इज अ कंपनी विप्रो लिमिटेड, ठीक है। विप्रो के कुछ शेयर होल्डर्स हैं, दीज आर शेयर होल्डर्स। पहले जब ये विप्रो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया करते थे, ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं इनके, मैंने सिर्फ 3 यहां पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो वंस दिस विप्रो यूज टू गिव डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, इनकम किसकी हो रही है? शेयर होल्डर्स की हो रही है। बट पहले प्रोविजन क्या था कि कंपनी को ही इसके ऊपर CDT देना पड़ता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी को ही देना पड़ता था। और एक सेक्शन था 115O, अब याद नहीं करना, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सेक्शन पर। सेक्शन था 115O, कंपनी हैज टू पे CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन दिस डिविडेंड, और शेयर होल्डर्स के हाथों में वो एग्जेम्प्ट होता था। सेक्शन हुआ करता था 1034, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना क्योंकि अभी दोनों सेक्शन इनऑपरेटिव हो गए हैं, अब इन सेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है। तो शेयर होल्डर्स के हाथों में, शेयर होल्डर्स की इनकम तो थी, बट शेयर होल्डर्स के हाथों में एग्जेम्प्ट हुआ करता था, शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं देना था, ठीक है। बिकॉज इसके ऊपर डिविडेंड के ऊपर, मैंने डिविडेंड की स्पेलिंग, डिविडेंड के ऊपर कंपनी ने CDT दे दिया था, ठीक है, सब लोग समझते हैं। अब इनफैक्ट पहले पुराने प्रोविजंस हुआ करते थे, पहले शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ता था, फिर बाद में चेंज होकर CDT के प्रोविजंस आ गए थे। रीजन बीइंग क्या था, पहले गवर्नमेंट क्या कहती थी कि इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं चलेगा कि किस किस को डिविडेंड मिला है, इसलिए कंपनी कंसोलिडेटेड लेवल पर, आप ही CDT दे दीजिए।
अब क्या होता है विद एन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबको पता है कि आज डिविडेंड जाता है, सारी चीजें रिपोर्ट होती हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा, और आज इतना ज्यादा हम लोग टेक्निकली इतना ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि आज सीधा सीधा पता चलता है कि किस किस को डिविडेंड मिला है। इसलिए अब प्रोविजन CDD के हटा दिए गए हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कि अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, आज तो शेयर होल्डर के हाथों में ही ये इनकम टैक्सेबल होगी अंडर IFOS। ठीक है, अब तो इस बार से फाइनेंस एक्ट 2020 से नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। IFOS की इनकम बनती है शेयर होल्डर की। अब प्लीज मुझे बताइए, कंपनी इज पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के हाथों में इनकम है, तो ठीक है, अब कंपनी इसके ऊपर TDS भी डिडक्ट करेगी। TDS, CDD नहीं, TDS, टैक्स। क्या डिफरेंस है TDS में और CDD में? ठीक है सर, ये भी पहले कंपनी डिडक्ट करती थी, ये भी अब कंपनी डिडक्ट करेगी, तो क्या चेंजेस हुए? नहीं, काफी अच्छे खासे चेंज हो गए हैं। CDD का मतलब होता था कि अब शेयर होल्डर को टैक्स देना ही नहीं है, इसको अपनी टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे नहीं, सेक्शन 10 में वो एग्जेम्प्ट हो जाती थी। बट आपको पता है TDS क्या होता है? TDS कोई भी इनकम जो हमें मिल रही है, ठीक है, जो भी इनकम हमें रिसीव हो रही है उसके ऊपर TDS के प्रोविजन सिर्फ इसलिए हैं कि वो इनकम के ऊपर टैक्स चला जाए और वो इनकम रिपोर्ट भी हो जाए। रिपोर्ट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि हाँ ऐसी किसी की इनकम हो रही है और कुछ TDS के तौर पर पैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन भी आ जाता है। तो नाउ विप्रो will whenever they will pay dividend to them, ठीक है, or declare dividend to them, they have to deduct TDS also under section 194. 194 में TDS deduct करना होगा। क्या रेट है? 10% रेट रहेगा, ठीक है, और अगर आप इनको डिविडेंड दे रहे हो ₹5,000 से ज्यादा का, थ्रेशोल्ड लिमिट है 5,000। 194 पहले भी था बट इनऑपरेटिव नहीं था क्योंकि काम ही नहीं आता था, CDD चला जाता था इसके ऊपर, और वहां पे पुराने सेक्शन में लिमिट थी 2500 की, ना 2500 रुपए की लिमिट थी, नाउ इट इज 5000 रुपीज की लिमिट। विप्रो जब कभी भी अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा तो सेक्शन 194 में TDS डिडक्ट करेगा एट रेट ऑफ 10%, चाहे वो डिविडेंड दे या फिर डीम डिविडेंड 222 A, B, C, D, E आज TDS के प्रोविजन है अंडर सेक्शन 194। बात समझ में आ गई? हाँ, कोविड इम्पैक्ट की वजह से काफी सेक्शंस हैं उसके रेट, ये भी अमेंडमेंट है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि काफी ज्यादा सेक्शंस हैं, जैसे कि 194 हो गया डिविडेंड का, 194 ए हो गया इंटरेस्ट का, या 193 भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का, और भी सेक्शंस हैं। मैक्सिमम सेक्शंस के रेट रिड्यूस किए गए हैं बाय 25% रेट रिड्यूस किए गए हैं TDS के, यानी कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल TDS का रेट 10% है उसका 25% रिड्यूस कर दीजिए रेट, मतलब 2.5% कम हो जाएगा, 3/4 कह सकता हूं, ठीक है, 1/4 की रिलैक्सेशन दी गई है और जो भी एग्जिस्टिंग रेट थे उसका 3/4 TDS डिडक्ट हो रहा है। 3/4 का मतलब होता है 10% का 3/4 कितना हो गया, 7.5%। काफी सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, अभी मैं लिस्ट में दिखा भी दूं आपको, अगर आप थोड़ा आगे आएंगे। ओके, बिल्कुल लास्ट पेज है TDS का, सेक्शन पेज नंबर 33 है, ठीक है, यहां पर आ जाइए, बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, लास्ट पेज पर TDS के एक सेक्शन 197B आया है, ठीक है, दिस इज अ न्यू सेक्शन। एक नया सेक्शन है, ये कहते हैं कि लोअर डिडक्शन इन सर्टन केसेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड का मतलब होता है, यहां पर इन लोगों ने बताया कि 14 मई से लेकर 31 मार्च 2021 तक, मतलब ऑलमोस्ट पूरा साल हो गया है, अप्रैल ऐसे प्रीवियस ईयर 2021 में रिलैक्सेशन दिया गया है कि हम आपसे जो TDS के रेट लगते हैं वो 3/4 ही लगेंगे। मैक्सिमम सभी सेक्शंस पर रिलैक्सेशन आ गया क्या? मैक्सिमम पर आ गया, कुछ पर नहीं है, कुछ में वही रहेंगे रेट्स, ठीक है। कौन कौन से सेक्शंस हैं वो ज्यादा इजी हैं याद करने, बट पहले मैं इसके बारे में बातें कर लेता हूँ।
प्रीवियस ईयर 2021 में जहां पर हमारा ये लॉकडाउन हुआ, ठीक है, कोविड इम्पैक्ट हुआ, तो कोविड इम्पैक्ट की वजह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये चाहती थी मिसेस निर्मला सीतारमन कि लोगों के पास पैसा पहुंच जाए ज़्यादा, मतलब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाए। अगर हम उनका TDS डिडक्ट कर लेते हैं तो उनके पास कम पैसा जाता है। तो लॉकडाउन का टाइम था तो उस समय गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों के पास आ जाए पैसा ज़्यादा, तो उन्होंने कहा TDS के रेट्स में हम आपको 25% का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जो भी रेट है उसका 75% ही TDS लगेगा। तो जैसे रेट है फॉर एग्जाम्पल किसी का 10% है TDS का रेट, तो वहां पर 7.5% ही लगेगा, ठीक है, बहुत लिमिटेड पीरियड तक। देखिए क्या लिखा गया है 197B ने, लिमिटेड पीरियड तक। ये लिमिटेड पीरियड क्या है, इस ईयर में जब कभी भी आपकी TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है तो डिडक्टर को बोला गया, डिडक्टर अगर आपकी TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है 14 May 2020 से लेकर 31 March 2021 के बीच में, ठीक है, बोथ द डेज इंक्लूसिव, इस बीच में मतलब ऑलमोस्ट पूरा ईयर हो गया, कौन सा रिलैक्सेशन में रहा, में नहीं रहा, अप्रैल इस ईयर का देखे तो अप्रैल और मई के 13 डेज, मतलब कुल मिला के 30 डेज और 13 डेज 43 डेज, पूरे साल में 43 डेज तो नॉर्मल प्रोविजन चलेंगे और फिर मैक्सिमम पोर्शन इस साल का 3/4 रिलैक्सेशन, 1/4 रिलैक्सेशन दिया गया, 3/4 लेवी किया गया। तो डायरेक्टर को बोला गया कि इस बीच में जब अगर आपकी किसी कोई भी TDS आपको डिडक्ट करना है तो आप उसका जो भी TDS का रेट है, जो भी TDS का रेट है उसका 3/4 ही डिडक्ट कीजिएगा, 1/4 का रिलैक्सेशन दे दिया गया। तो फॉर एग्जांपल अगर TDS का रेट है 10% तो इसका 3/4 ही लगाइएगा, मतलब 7.5%। फॉर एग्जाम्पल अगर 194C है, 194C में TDS के रेट होते हैं 1% या 2%, तो लेट्स से अगर TDS का रेट है 2% तो आप 3/4 ही लगाइएगा, तो कितना हो गया इसका 3/4, 1.5%, ठीक है, 1% रेट है तो 3/4 हो गया 0.75%। तो ये रिलैक्सेशन 197B ने की है, कौन कौन से सेक्शन में ऐसा किया गया, ठीक है, बिल्कुल लास्ट पेज पर हूं मैं TDS के, सेक्शन 193 में, 193 क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 डिविडेंड, मैं 194 पढ़ा रहा था इसलिए मुझे ये बात वहां पर रेफरेंस आएगा, इसलिए मैंने आपको दूसरे सेक्शन पे जंप करा दिया फॉर द टाइम बीइंग। 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज का जब आपको मिलता है, जैसे बैंक्स हैं 194A में TDS डिडक्ट करते हैं, ठीक है, क्या रेट चलता है 194A में, 10%, बट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, ये जो 14 May 2020 या 31 March 2021 के बीच में डेट्स आ रही हैं, जब बैंक TDS रिटर्न करेंगे तो 10% ना करके 3/4 करेंगे, तो दैट इज 7.5%, ठीक है। 194C कॉन्ट्रैक्ट का होता है, 194D इंश्योरेंस कमीशन, DA, EE, GHI, IA, IB, IC, JK, सर के कौन सा सेक्शन है अभी बताऊंगा, ठीक है, LA, ठीक है, M194M, 194O, तो जितने भी सेक्शन, 194A O कौन सा है अभी हम डिस्कस करेंगे, दोनों सेक्शन नए हैं हमारे लिए, 194O और 194K मैं डिस्कस करूंगा अभी। इन सभी सेक्शंस में बोला गया कि जो भी एग्जिस्टिंग रेट है उसका 3/4 कर दीजिएगा, उसका 3/4 ही हम TDS लगाएंगे। कौन कौन से सेक्शन में रिलैक्सेशन नहीं दी गई, अगर आप ये लिखना चाहें, क्योंकि ये तो लंबी लिस्ट है, मुश्किल नहीं है याद करना, बट फिर भी अगर हम ये देखें कौन कौन से सेक्शन में रिलैक्सेशन नहीं है, सैलरी का सेक्शन 192 कोई रिलैक्सेशन नहीं, जो भी TDS आता है वहां पर वैसे भी फिक्स रेट तो होता नहीं है, एवरेज रेट होता है सैलरी में TDS का, तो सेक्शन 192 में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और सेक्शन आया हमारा 194B और BB, लॉटरी, हॉर्स रेसेस, ठीक है, कैजुअल इनकम, वहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और अगर देखा जाए तो अच्छा 192B और 192AB है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड वाला भी है, 192A में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और रिलैक्सेशन नहीं है 194N में, कैश विड्रॉल, जब आप 1 करोड़ से ऊपर करते हैं वहां पर भी चेंजेस आए हैं इस बार,
तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग रेट है, जैसे 194B और डबल बी में 30% के रेट्स होते हैं, तो 30% के अगर रेट्स हैं तो वो 30 ही रहेगा, 3/4 नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी सभी सेक्शंस में 3/4 का, 1/4 का रिलैक्सेशन है, 3/4 अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, मैं वापस आता हूँ, मैं डिविडेंड डिस्कस कर रहा था आपके साथ। ओके, कम टू पेज नंबर 25, लिखा हुआ है सेक्शन 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, देखिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली, जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी का, जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो दे हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑल्सो। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय टू इट्स रेसिडेंट शेयर होल्डर्स, जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर, जब भी डिविडेंड देंगे तो टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है वो शेयर होल्डर्स रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट के लिए तो हम जानते हैं कि वो दूसरे सेक्शन उनके ऊपर लगते हैं और वैसे भी वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट हेयर वी आर टॉकिंग 194 डील करता है, वेन एवर यू गिव डिविडेंड टू योर, लिख लीजिएगा, रेसिडेंट शेयर होल्डर्स, जब अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेट क्या रहेगा, 10%, बट कोविड इंपैक्ट की वजह से 7.5%। यहां पर मैंने मेंशन भी किया, द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 अप्लाइज ओनली टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड टू रेसिडेंट शेयर होल्डर्स। नॉन रेसिडेंट्स का टीडीएस डिडक्ट करना है, हाँ करना है, बट ये सेक्शन नहीं है, ठीक है, 194 नहीं है। रेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस का रेट क्या रहेगा, 10%, बट कोविड इंपैक्ट की वजह से, ठीक है, इफ ये टीडीएस डिडक्ट होना था 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में, तो हमें पता है नया सेक्शन है 197 भी, काफी सारे सेक्शंस को उसने रिलैक्सेशन दी, 1/4 की रिलैक्सेशन देने के बाद 3/4 ही हम लोग टीडीएस अप्लाई करेंगे, तो 10% का 3/4 या 75% बोलते हैं, 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%, तो एग्जिस्टिंग रेट का 75% या 3/4 कुछ भी कहें आप, तो 10% को रिड्यूस करके 7.5% टीडीएस का रेट रहेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, 5,000, 5,000 से आप ज्यादा का डिविडेंड अगर दे रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा, 5,000 से कम का दे रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड वो कैश में ना दें डिविडेंड, ठीक है। अगर आप कैश में दे देते हैं डिविडेंड, अब मुझे प्लीज बताइए कैश में जनरली डिविडेंड देखा जाए तो कैश में डिविडेंड कौन देता है, मतलब अगर आपके नॉर्मली शेयर्स हैं आपके पास, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं लिस्टेड कंपनीज के, तो कंपनी आपको कैश में बुला के तो डिविडेंड दे देती नहीं है ना, तो ज्यादा डिविडेंड मैक्सिमम 99.9% केसेस में कैसे मिलता है, वो हमारे अकाउंट में आता है, तो कैश वाला डिविडेंड प्रैक्टिकली नहीं है, बट फिर भी लॉ ने बोला कि अगर आप कैश में डिविडेंड दे रहे हैं तो फिर तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। हम 5,000 का आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि 5,000 से के ऊपर अगर आप जब देंगे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड, अच्छा 5,000 आप लोग जानते हैं ना, 5,000 किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि यहां पर देखिएगा, दिस इज शेयर होल्डर नंबर, मैं इसकी बातें कर रहा हूं, ठीक है, मैं इन तीनों की बातें कर रहा हूं, दिस पर्सन इज शेयर होल्डर नंबर 1, दिस पर्सन इज शेयर होल्डर नंबर 2, दिस पर्सन इज शेयर होल्डर नंबर 3, 1, 2, 3, ठीक है, ये तीन शेयर होल्डर, ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे मैं, बट इसके बारे में बातें कर रहा हूं। मान लेते हैं विप्रो ने डिविडेंड दिया, ठीक है, और ऑब्वियसली विप्रो है लिस्टेड कंपनी है, वो आपको डिविडेंड कैसे देती है, आपके अकाउंट में आ जाते हैं सीधे पैसे, तो फॉर एग्जाम्पल वो इन लोगों को शेयर होल्डर नंबर 1 को डिविडेंड मिला, ठीक है, 4,000 रुपीज का, शेयर होल्डर नंबर 2 को डिविडेंड मिला 5,000 रुपीज का पूरे साल में इन एग्रीगेट, और शेयर होल्डर नंबर 3 को डिविडेंड मिला है ₹6,000 का, तो इस केस में कंपनी ने डिविडेंड दिया, कंपनी ने जितना डिविडेंड दिया उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं देखते हमेशा, मतलब टीडीएस का ये बेसिक कंसेप्ट ही होता है, हम रिसीवर के
ऊपर देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है. मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ ये बात, ये वो चेंजेस नहीं है, ठीक है. मैं आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू. सो दिस वन इज, जब शेयर होल्डर वन को डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये 5,000 से ज्यादा का नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली कैश में नहीं मिला होगा. और शेयर होल्डर नंबर टू को जब डिविडेंड मिला होगा, 5,000 तक ही है. इन दोनों केसेस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, इन दोनों केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. बट जब हम शेयर होल्डर नंबर थ्री को पैसे देंगे 6,000 रुपीज का, तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा. 6,000 के ऊपर कितना, जो इन एक्सेस ऑफ 5,000 है, पूरा 6,000, पूरे 6,000 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा 10%. 10% मतलब 600 रुपए, 600 रुपीज. 6,000 का 10% 600 रुपीज. हाँ, अगर वो पेंडेमिक वाले टाइम के बीच में था, मतलब 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में था, तो टीडीएस का रेट 7.5% हो जाएगा पूरे 6,000 के ऊपर. पूरे 6,000 के ऊपर 7.5% 450 रुपीज, इतना डिविडेंड आप टीडीएस डिडक्ट करेगा विप्रो लिमिटेड. ठीक है, सब लोग समझ गए हो. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 194. ठीक है, कुछ अमेंडमेंट होती हैं वो ठीक ठीक होती हैं, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कर लेनी चाहिए, करनी तो है हमें, बट अगर मतलब एक नॉर्मल देखा जाए तो बहुत कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं ऐसी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत आ गई हैं, बट दिस सम अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. 194 इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. ठीक है, आगे बढ़े. अच्छा, एक बात सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है कि अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं किसको, LIC को या जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, इनकी सब्सिडरी को, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस है या फिर नेशनल इंश्योरेंस है, इन सबको जब हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है, या दूसरे इंश्योरेंस को, तो उसके ऊपर हम 194 में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे. 194 में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं एक बार. फॉर एग्जाम्पल, विप्रो के शेयर्स खरीदे हुए हैं, एक शेयर होल्डर है LIC शेयर होल्डर है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर हैं, आपको 6,000 का डिविडेंड मिला, तो विप्रो जब आपको डिविडेंड देगा तो 10% या 7.5% जो भी केस है टीडीएस डिडक्ट कर लेगा. बट विप्रो अगर डिविडेंड दे रहा है LIC को, LIC इज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ विप्रो, तो LIC को जब डिविडेंड मिल रहा है, तो उस केस में सेक्शन 194 में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. बोला गया है कि इन केस वी आर गिविंग डिविडेंड टू LIC और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज या टू एनी अदर इंश्योरेंस इंश्योरर, उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट मत कीजिएगा. यहां पर रिलैक्सेशन है इन लोगों को. सर, क्या इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है? नहीं, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती. इनका टैक्स कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है इंश्योरेंस कंपनी का, इसलिए यहां पर ये बोला गया कि हम आपके ऊपर आपको पूरा का पूरा डिविडेंड दे देंगे विदाउट डिडक्टिंग TDS. एक बार मैं रीड करना चाहूंगा इसको. द TDS प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई. ये जो हमने सेक्शन 194 पढ़ा कि 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड जा रहा है तो 10% 7.5% का TDS डिडक्ट कर लीजिएगा. This provision will not apply to such dividend credited or paid to LIC, GIC, subsidiaries of GICs or to any other insurer provided the shares are owned by them. अगर ये उसके owner है, main owner कौन है? LIC है, general insurance companies है या कोई और insurer है, तो उस case में TDS deduct मत कीजिएगा. ठीक है, so this was 194. अब एक section होता है 194A, इसमें छोटी सी amendment आई है. मैं कह रहा था कि कुछ अमेंडमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें से ये एक अमेंडमेंट है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, बट स्टिल वी शुड नो दिस. 194 होता है, 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको. होता क्या था यहां पर, मेनली यहां पर बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स या पोस्ट ऑफिस या कोई भी व्यक्ति जिसने पैसे आपसे लिए हैं, वो जब आपको इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, तो बैंक जब आपको इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, आपने FD कराई है, सेविंग अकाउंट है आपका, या कोऑपरेटिव बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे करता है,
आपको याद है इसकी लिमिट क्या थी? ठीक है, इन तीनों के लिए लिमिट लगती है 40,000 रुपीज की। पहले 10,000 की लिमिट हुआ करती थी, ये तो लास्ट ईयर की अमेंडमेंट ही थी। ठीक है, इनके लिए लिमिट 40,000 कर दी गई थी, वो तो लास्ट ईयर ही था, ये तो आपको पता होगा। हाँ, अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए लिमिट थी 50,000 की। ठीक है, बाकी दूसरा इंटरेस्ट, दूसरे लोग जो इंटरेस्ट देते हैं इन तीनों के अलावा, अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी को, तो उसके ऊपर 5,000 की लिमिट होती है। बट मेनली हम 194A को जनरली बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा जानते हैं कि जब बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो 194A में TDS डिडक्ट हो जाएगा। और अगर ये इंटरेस्ट 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो 10%। और यहां पर भी कोविड इंपैक्ट की वजह से रेट रिड्यूस किए गए हैं, 10% का रेट रहता है और 14th में से लेकर 31st मार्च 2021 के बीच में दिया गया तो 7.5% रेट रहेगा। ठीक है, अमेंडमेंट क्या आई है सेक्शन 194A में, हम कुछ चीजें पढ़ते हैं कि कब ये सेक्शन नहीं लगता है। ठीक है, कुछ केसेस में जैसे वहां पर हम पढ़ते हैं कि इसकी एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मेनली ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता था, इसी तरीके से हम ये पढ़ते थे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं, एक तो होता है कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका बिजनेस ये एक तरह से बैंक ही होते हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जब वो उनका मेन बिजनेस बैंकिंग बिजनेस हो जाता है, वो इस तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि बिल्कुल बैंक की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। बट अमेंडमेंट आई है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका बिजनेस बैंकिंग का नहीं होता है बट फिर भी ये हेल्प करते हैं अपने मेंबर्स की। ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम पहले ये देखते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, नॉट बीइंग अ कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक नहीं, जस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब इंटरेस्ट पे करती है अपने मेंबर्स को, या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब इंटरेस्ट पे करती है, तो इसके ऊपर था कि ये लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 194A की एक्सेप्शन में ये इन लोगों के बारे में भी लिखा गया था कि ये ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगी। चेंजेस क्या किए गए हैं कि अगर ये बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, मतलब दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट, कुछ बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये कैसे पता चलेगा, अगर इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर, अगर इन केस इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड करता है, ठीक है, दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर इनका टर्नओवर लास्ट ईयर का 50 करोड़ को एक्सीड करता है तो इन लोगों के ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजंस आ गए हैं। यानी कि पहले क्या होता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव बैंक, अगेन अगेन रिपीटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहले जब इंटरेस्ट पे करती थी अपने मेंबर्स को, या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो देयर यूज्ड टू बी नो टीडीएस, इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट के प्रोविजंस नहीं थे। 194A कहता था कि अर्लियर द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, इनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था। बट अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच हैज टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़ इन द लास्ट ईयर, तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2021 में इनको टीडीएस डिडक्ट करना है तो टर्नओवर कब देखना पड़ेगा, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर 1920 का, तो क्या इनका प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है? अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपको भी टीडीएस डिडक्ट करना है। कितना डिडक्ट करना है? अगर आप जब दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है। हाँ, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है। सो दिस इज एन अमेंडमेंट इन 194A। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो पहले टीडीएस डिडक्ट नहीं करती थी, अगर इनका टर्नओवर, ठीक है, इनकी ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स, टर्नओवर बोल सकता हूं मैं इसका, इनका टर्नओवर एक्सीड करता था 50 करोड़ से एक्सीड करता था ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनको टीडीएस डिडक्ट करना है उससे पुराना वाला साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए अमेंडमेंट आ गई है कि अब टीडीएस डिडक्ट करना है तो कौन सा ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर 1920, तो 1920 में इनका टर्नओवर कितना है,
50 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है, कितना डिडक्ट करना है अगर ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को तो 50,000, ठीक है, अदर केसेस में 40,000 रुपीज के ऊपर अगर ये पैसा दे रहे हैं फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो प्लीज मुझे बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैसा पे कर रहे हैं सीनियर सिटीजन नहीं है नॉर्मल केस में 60,000 तो टीडीएस डिडक्ट होगा। हाँ सर 40,000 रुपीज से ज्यादा है, कितने अमाउंट के ऊपर होगा? सर पूरे 60,000 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, 10% टीडीएस कोविड की वजह से 7.5, ठीक है, पूरे 60,000 के ऊपर। सो दिस इज अ सेकेंड अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर 194A, कितनी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर अमेंडमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अब मुझे एक बताइए कि कुछ सेक्शंस होते थे जहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी टीडीएस डिडक्ट करने कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते थे, जैसे कि 194C है, 194C किस चीज का है? सर 194C होता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने किसी को दिया है तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है क्या? हाँ सर, अगर वो उसका बिजनेस एक्सपेंस हो और उसका टर्नओवर लास्ट ईयर का अगर वो लायबल टू ऑडिट हो। तो हम लोग ये पढ़ते थे जहां जहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बोला जाता था कि आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं इन केस अगर ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है और दूसरा आपके लास्ट ईयर ऑडिट लायबल हो, अगर हैं तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे पक्का। मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड दे देता हूं आपको, जैसे कि सेक्शन में कोई भी सेक्शन पिक कर लेता हूं, 194C ले लेता हूं, चलिए ठीक है, एक दो सेक्शन से और समझा देता हूं। 194C होता है कि जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप देते हो तो टीडीएस डिडक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल ये एक पार्टनरशिप फर्म है, सो दिस इज अ फर्म, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसने किसी को ABC एंड एसोसिएट्स को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, एसोसिएट्स को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, इस फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या फर्म टीडीएस डिडक्ट करेगी? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, फर्म टीडीएस डिडक्ट करेगी। बट फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल और इन्होंने कोई अपना बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट दिया है ABC एंड एसोसिएट्स को, क्या मिस्टर ए टीडीएस डिडक्ट करेंगे? तो हम लोग ये देखते थे कि एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है वो टीडीएस डिडक्टर तभी हो सकता है जब उसका लास्ट ईयर में, ठीक है, सब लोग समझ गए, लास्ट ईयर पुराना वाला साल में उसके अकाउंट्स ऑडिट होने लायबल होते हैं, तब आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से और भी सेक्शन में रेफर कर सकता हूं, एक तो 194C का मैंने रेफरेंस दिया, 194I इंटरेस्ट का, चलो समझ रहे हैं ना ये बातें, 194I, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ असेसी मिस्टर बी, इंडिविजुअल है, इनका कोई बिजनेस है और ये रेंट पे करते हैं, ठीक है, ये रेंट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का वो रेंट पे करते हैं, यहां पर इनका बिजनेस चलता है, इनकी फैक्ट्री है, इनका शोरूम है, मिस्टर एक्स ओनर है, ठीक है, मिस्टर एक्स इज द ओनर और मिस्टर बी अपने बिजनेस का रेंट पे करते हैं, लेट से कितना रेंट है, 40,000, 50,000, 60,000, अच्छा खासा रेंट है, ठीक है, 2,40,000 रुपीज से ज्यादा, तो क्या एक इंडिविजुअल टीडीएस डिडक्ट कर सकता था? तो हम ये बातें करते थे 194I में कि अगर आपका लास्ट ईयर के अकाउंट्स, ठीक है, लास्ट ईयर के अकाउंट्स ऑडिट होना लायबल था तो आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां जहां पर ऐसा लिखा हुआ था कि आपके लास्ट ईयर का ऑडिट होना जरूरी था इंडिविजुअल और एचयूएफ का तभी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, वहां वहां पर हर सेक्शन में चेंज आ गया, ठीक है, कॉमन चेंज है जो मैं एक साथ करा रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर टैक्स डिडक्टर है, टीडीएस डिडक्टर है इंडिविजुअल या एचयूएफ। और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस थे, 194 आई, जैसे सी का एग्जाम्पल दिया, 194 आई का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, 194J, ठीक है, जहां पर आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे वगैरह पे करते थे,
तो वहां पर लिखा होता था कि एक इंडिविजुअल HUFB डिडक्टर हो सकते हैं अगर इनके लास्ट ईयर ऑडिट होना जरूरी था इनके अकाउंट्स का, ठीक है। अब देखो ऑडिट वाले प्रोविजंस में भी चेंजेस आ गए, अब तो 5 करोड़ के बाद ही ऑडिट होने लगा है, ठीक है। तो मतलब ऑडिट करने के लिए भी टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए उन सभी सेक्शंस में 194C हुआ, आई हुआ, 194J हुआ, और भी ऐसे सेक्शंस में जहां पर इंडिविजुअल और HUF के लिए TDS डिडक्टर बनने के लिए लास्ट ईयर का ऑडिट जरूरी था, उन सभी सेक्शन में चेंज आया। चेंज में क्या बोला गया कि अब हम ये देखेंगे कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, आपका ऑडिट होना था नहीं होना था उससे मतलब नहीं है। अगर आपका बिजनेस है इंडिविजुअल, अगर आपका एक बिजनेस है जैसे कि यहां पर मिस्टर ए, हम पहले तो लास्ट ईयर का ऑडिट देखते थे, अब हम लास्ट ईयर का ऑडिट नहीं देखेंगे, टर्नओवर देखेंगे, ठीक है। कितना टर्नओवर देखेंगे, पहले ये पूछेंगे मिस्टर ए आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है। ये कहते हैं सर बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए 1 करोड़ और प्रोफेशन के लिए 50 लाख। अगर मिस्टर ए बोलते हैं सर मेरा प्रोफेशन था तो क्या मैं TDS डिडक्ट कर सकता हूं, बिकॉज उनका प्रोफेशन था, तो इनसे पूछेंगे लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका, ये नहीं पूछेंगे कि लास्ट ईयर ऑडिट होना जरूरी था, नहीं, वो ऑडिट वाली चीजें चेंज हो गई हैं। अब हम ये पूछेंगे कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, तो वो कहते हैं सर मेरा प्रोफेशन था, तो टर्नओवर की लिमिट क्या है, 50 लाख से ऊपर। वो कहते हैं मेरा बिजनेस था, तो बिजनेस की लिमिट क्या है, 1 करोड़ से ऊपर। तो अगर इनकेस आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख, एज द केस में भी बिजनेस था या प्रोफेशन है आपका, तो अगर वो इससे एक्सीड करता है तो आज आप लायबल हो जाते हैं। तो चेंजेस क्या आए हैं, जहां जहां पर ऐसा लिखा था कि एक इंडिविजुअल और HUF को TDS डिडक्ट तभी कर सकते हैं जब लास्ट ईयर आपका ऑडिट हुआ हो, तो वहां पर उन सभी सेक्शन में चेंज आ गया है, इंडिविजुअल और HUF TDS डिडक्ट आज कर सकते हैं अगर उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो अगर उनका बिजनेस है, या 50 लाख से ऊपर हो अगर उनका प्रोफेशन है। तो सो दिस इज अ कॉमन चेंज फॉर इन ऑल द सेक्शंस। अच्छा, 3 सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर टर्नओवर वगैरह ऑडिट वगैरह नहीं देखा जाता था, तो वो सेक्शंस एज इट इज है। कौन से सेक्शन है वो, जब कोई भी व्यक्ति 50 लाख से ऊपर का इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप, ठीक है, आप अगर 50 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 194IA में TDS डिडक्ट करना पड़ेगा आपको 1%, ठीक है। आपका लास्ट ईयर का ऑडिट होता है, लास्ट ईयर का टर्नओवर होता है, वो सब कुछ पूछा नहीं जाता उस केस में, तो ठीक है। तो 194IA में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आए थे क्योंकि वहां पे लास्ट ईयर के ऑडिट की बात नहीं हुई थी, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर भी नहीं देखा जाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट आई है ये ऐसे सेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करेगी। कौन कौन सेक्शन को, ऐसे 194IA जहां पर तो कोई भी व्यक्ति जब 50 लाख या उससे ऊपर की चीजें खरीदता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, तो उसको 1% का TDS डिडक्ट ही करना पड़ता है। उसका लास्ट ईयर का ऑडिट वॉडिट, लास्ट ईयर का टर्नओवर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक दो सेक्शंस और हैं, 194IB। आईबी क्या होता था, जब हम रेंट पे करते हैं, जब हम रेंट पे करते हैं 50,000 रुपये महीना या उससे ज्यादा का जब रेंट पे करते हैं, तो चाहे आपका पर्सनल रेंट भी होता था तो भी ऐसे इंडिविजुअल को TDS डिडक्ट करना पड़ता था, लास्ट ईयर का ऑडिट, लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं देखा जाता था, तो आज भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एक सेक्शन जो लास्ट ईयर आया था 194M, ठीक है, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं 50 लाख से ऊपर का, या कोई टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज 50 लाख से ऊपर के लिए, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके ऑडिट वॉडिट, टर्नओवर, वनओवर वगैरह कुछ नहीं देखा जाता था, तो आज भी वही है। सब लोग समझ गए अमेंडमेंट क्या आई है। अमेंडमेंट इन सेक्शंस में नहीं आई है क्योंकि इन सेक्शन में तो लास्ट ईयर का ऑडिट देखा ही नहीं जाता, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर तो इन सेक्शन में देखेंगे भी नहीं आज भी हम, तो इन सेक्शंस में देयर इज नो अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आई है ऐसे सेक्शन में, जैसे 194C हो गया, 194I हो गया, 194J हो गया, जहां पर इंडिविजुअल और HUF भी TDS डिडक्ट कर सकते थे, जहां जहां पर उनको ऑडिट होना लायबल था, बट जहां पर वो ऑडिट होना लायबल था बस उसमें चेंज आया है। ऑडिट की जगह आप टर्नओवर देखेंगे, 50 लाख या 1 करोड़, ठीक है। तो यहां पर इंडिविजुअल और HUF अगर TDS डिडक्टर हैं तो एक कॉमन प्रोविजन है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऐसे नहीं, हर सेक्शन में चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि कौन कौन सेक्शन होते थे, 194C, 194H जब आप किसी को कमीशन देते थे, 194I रेंट, 194J प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा रॉयल्टी वगैरह, 194A इंटरेस्ट जब आप देते थे किसी को,
तो आपसे क्या पूछा जाता था, अगर इंडिविजुअल रेशियो है फिर लास्ट ईयर का टर्नओवर, सॉरी लास्ट ईयर का ऑडिट पूछा जाता था, आज पूछा जाएगा लास्ट ईयर का टर्नओवर। तो पहले पूछा जाता था ओल्ड प्रोविजन क्या थे, इंडिविजुअल रेशियो फॉर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस इफ दे आर लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, ऐसे पूछते थे कि आपका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट होना जरूरी था या नहीं था। अब हम ऑडिट नहीं पूछेंगे, अब हम आपका टर्नओवर पूछेंगे कि लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है आपका। बिजनेस कर रहे हैं तो 100 लाख से ऊपर, मतलब 1 करोड़ से ऊपर, और अगर प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 लाख से अगर ऊपर आपका टर्नओवर है तो आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट आई है वो इन सेक्शंस के लिए आई है, जो बाकी सेक्शंस थे 194IA जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 194IB जब आप रेंट पे करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा का, या 194M में, यहां पर लास्ट ईयर के ऑडिट कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो लास्ट ईयर के टर्नओवर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस अमेंडमेंट ने इन सेक्शंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाला है, ठीक है। तो देयर इज नो इंपैक्ट ऑन दीज सेक्शंस, आई बिलीव ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लें, कौन कौन सी हमने बातें की हैं टीडीएस में, सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी ESOPs के बारे में था, जो एलिजिबल स्टार्टअप हैं, कि इन लोगों का अब जो टैक्स बनता है वो हम अभी नहीं लेंगे, वो डिफर कर दिया जाएगा 48 मंथ्स, सेल करेंगे शेयर्स आप तब या फिर कंपनी छोड़ेंगे तब, ठीक है। और 191 में क्या अमेंडमेंट है, सेम अमेंडमेंट है, क्योंकि 191 होता है डायरेक्ट पेमेंट का, याद है ना आपको, मैंने सैलरी में डिस्कस किया था कि अगर डिडक्टर ने टीडीएस नहीं काटा तो हम असेसी है उससे डायरेक्ट जाके पैसे रिकवर कर सकते हैं, बट आज क्योंकि ESOPs के ऊपर या स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर एलिजिबल स्टार्टअप ने टीडीएस नहीं काटा होगा, तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर जाकर डायरेक्ट एम्प्लॉय से कह सकता है कि आप टैक्स दो अभी, नहीं, उससे भी नहीं कह सकता है, यानी कि जब डायरेक्ट पेमेंट करेगा अगर असेसी तो भी अभी नहीं करेगा, 48 मंथ्स जब सेल वगैरह करेगा शेयर्स तभी करेगा। 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड भी ये सेक्शन वापस आ गया है, और अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 10%, ठीक है, पेंडेमिक की वजह से 7.5। 194IA में कुछ कॉपरेटिव सोसाइटीज थी पहले, इनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं थे, अब आ गए हैं। सभी कॉपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर क्या नहीं, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है लास्ट ईयर का, ठीक है। कॉपरेटिव बैंक तो पहले भी टीडीएस डिडक्ट करते थे, अभी भी करते थे, उनका कोई टर्नओवर से मतलब नहीं है, ये दिस इज ओनली फॉर कॉपरेटिव सोसाइटीज, ओके। पहले इंडिविजुअल रेशियो ऑफ टीडीएस डिडक्ट किया करते थे अगर लास्ट ईयर का ऑडिट होना जरूरी था, अब लास्ट ईयर का ऑडिट वाली कंडीशंस को हटा दिया गया है, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा, ठीक है। और आईए आईबी और एम में लास्ट ईयर का ऑडिट देखा नहीं जाता था, तो आज भी लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं देखा जाएगा, ये तो नॉर्मल सेक्शंस हैं। आगे चलते हैं, आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पर, 194C में एक छोटी सी अमेंडमेंट है। 194C में 194C क्या होता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के लिए। मैं आपको याद करा दूं, सेक्शन 194C होता था कि जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इट कुड बी लाइक एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे 1% या 2%, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअली HUF है तो 1% होता था, अदर केसेस में 2% टीडीएस डिडक्ट होता था। बट अगर आप किसी से कोई सेल या परचेज की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेल या परचेज की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं आता था। दिस इज ओनली फॉर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपने वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता था, एडवर्टीजमेंट कराया आपने, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग कराया, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सारी बातें आती थी। ई पॉइंट में थोड़ा सा चेंजेस आया है, मैं ई पॉइंट को समझाना चाहूंगा थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पर्सन मिस्टर ए है, ही हैज अ बिजनेस, ही इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, अच्छा खासा इनका टर्नओवर है 2-3-4-5 करोड़, ठीक है, मतलब 194C में टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर ए इज अ बिजनेसमैन, और इनको फॉर एग्जांपल न्यू ईयर के लिए, न्यू ईयर आ रहा है और उसके लिए इनको अपनी
अपनी कंपनी का लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगाना है उस डायरी के ऊपर, या थोड़ा इनको कस्टमाइज डायरीज बनवानी है, ठीक है, न्यू ईयर के लिए इनको डायरीज, ठीक है, डायरीज देखी होंगे ना आपने न्यू ईयर में, लोग अपने बिजनेस की डायरीज अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स या सप्लायर्स वगैरह को, बिजनेस कनेक्शंस जिनके साथ होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो मिस्टर ए को न्यू ईयर के लिए डायरीज बनवानी है, और ये डायरी के सप्लायर हैं या फिर इस तरह का काम करते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इनके यहां पे डायरी प्रिंटिंग का, या फिर आप इनसे डायरी खरीद भी सकते हैं, डायरी प्रिंट वगैरह भी करवा सकते हैं डायरी, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताइएगा 194C अभी तक जितना आपको पता है उसके हिसाब से, ठीक है, हम 194C की बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इनके पास जाते हैं, ठीक है, मिस्टर ए इज अ बिजनेसमैन, ये इनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे न्यू ईयर के लिए डायरीज बनवानी है। कितनी डायरीज बनवानी है? लेट से 1000 डायरीज, ठीक है, 1000 डायरीज इनको बनवानी है। और मिस्टर ए कहते हैं कि मिस्टर एक्स से कि आप ही डायरी का पेपर वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें वो आप ही की होंगी, आप ही इसको मेरे हिसाब से प्रिंट करेंगे, इसका मेरा लोगो वगैरह सब प्रिंट करके देंगे। यानी कि मिस्टर ए इनसे डायरीज परचेज कर रहे हैं, मिस्टर ए इज परचेजिंग डायरीज फ्रॉम हिम। हाँ, वो थोड़ा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा रहे हैं, बट यहाँ पर जितना मटीरियल है डायरी में, जितना मटीरियल लगेगा और जितना प्रिंटिंग वगैरह होगा वो सब कुछ मिस्टर एक्स करके देंगे। मिस्टर एक्स मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे? कहीं से भी खरीदेंगे मिस्टर एक्स मटेरियल, जो भी ये मटेरियल पेपर्स वगैरह सप्लाई करता है, तो मिस्टर एक्स वहां से मटेरियल खरीदेंगे, प्रिंट करेंगे और इनको डायरीज बेच देंगे। दिस ट्रांजेक्शन इज ऑफ परचेज सेल ट्रांजेक्शन, यहां पर ये सिर्फ परचेज कर रहे हैं। यहां पर व्हेन ही इज परचेजिंग 1000 डायरीज फ्रॉम हिम, यहां पर 194C नहीं लगता, बिकॉज दिस इज अ सेल परचेज ट्रांजेक्शन। 194C लगता है कि जब आप कोई किसी को काम दे रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठीक है, और वर्क की डेफिनेशन में भी ये इंक्लूडेड है। अब आई गिव यू अ डिफरेंट सिनेरियो, लेट से दूसरा सिनेरियो ये है, केस टू, मिस्टर ए इनके पास जाते हैं, ठीक है, यहां पर गए मिस्टर ए, मिस्टर ए ने कहा कि इसका मटेरियल आपको मैं सप्लाई करूंगा, यानी कि मिस्टर ए इसका मटेरियल सप्लाई करेंगे, जो डायरीज वगैरह में पेपर्स वगैरह लगता है वो सब कुछ मिस्टर ए, या फिर हो सकता है ब्लैंक डायरीज मिल जाती होंगी बाजार से, ठीक है, नॉर्मल डायरीज जिसके ऊपर किसी का लोगो वगैरह नहीं होता। तो मान लेते हैं मिस्टर ए कहते हैं कि मैं आपको डायरी सप्लाई करूंगा, मिस्टर ए विल सप्लाई डायरीज टू हिम, और मिस्टर एक्स का काम क्या है? मिस्टर एक्स इसको सिर्फ प्रिंट कर देंगे, ठीक है, प्रिंटिंग का जॉब दे दिया इनको। मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है, मैं आपकी आप मुझे डायरी सप्लाई कीजिए, ब्लैंक डायरीज, उस पर किसी का लोगो नहीं है, स्टैंडर्ड डायरी सप्लाई कीजिए, मैं उसके ऊपर आपका प्रिंट करके आपको दे दूंगा वापस। प्लीज मुझे बताइएगा यहां पर क्या मिस्टर ए मिस्टर एक्स से डायरी खरीद रहे हैं? इज इट अ सेल परचेज ट्रांजेक्शन हो रही है ये, या फिर ही इज गेटिंग सम वर्क डन? इसके ऊपर 194C लगेगा, इसके ऊपर 194C लगेगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर हो गया इतनी बातें? यानी कि हमें यह समझ में आया है कि अगर ये मिस्टर एक्स डायरीज वगैरह खुद ही बेचते हैं, ये मटेरियल खरीदते हैं कहीं और से और ये बेचते हैं इनको डायरीज प्रिंट वगैरह करके, मटेरियल इनका यूज नहीं करते, मटेरियल मिस्टर ए का यूज नहीं करते हैं, तो दिस इज अ सेल परचेज ट्रांजेक्शन, 194C की कोई यहां पर इंप्लीकेशन नहीं आती है। बट इनकेस मिस्टर ए से अगर वो मटेरियल खरीदते हैं तो यहां पर 194C की, या तो मान लेते मिस्टर ए से मटेरियल लिया, उसके ऊपर प्रिंट करके वापस दे दिया, या फिर ऐसी ट्रांजेक्शन बताई कि मिस्टर ए से ये मटेरियल खरीदा, इन्होंने पहले ये मिस्टर ए से ही खरीदा और फिर वापस मिस्टर ए को ही बेच दिया डायरी। तो इसको बोलते हैं कि एक्चुअली आपने ये कुछ खरीदा या बेचा नहीं है, दिस इज नॉट अ सेल परचेज ट्रांजेक्शन, आपने सिर्फ प्रिंट करके दिया इस डायरी को। यहां पर 194C के प्रोविजंस लग जाते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको बहुत समझिएगा, बहुत नैरो बातें इस समय मैं कर रहा हूं यहां पर। इनकेस ये डायरी का मटीरियल मिस्टर एक्स कहीं से भी खरीदते हैं, किसी
थर्ड पर्सन से ये खरीदते हैं, इसको प्रिंट करके इनको बेच देते हैं, तो 194C की कोई इंप्लीकेशन नहीं आती, विल से दैट दिस इज अ परचेज ट्रांजेक्शन। सेकेंड सिनेरियो में अगर मिस्टर ए इनको अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं और ये इसको प्रिंट करके दे देते हैं, तो यहां पर 194C की प्रोविजन लग जाते हैं, बिकॉज दिस इज अ वर्क, दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क, कि ये क्या क्या काम करके दिया इन्होंने, प्रिंट करके दिया। और यहां पर भी वर्क की डेफिनेशन में ये भी बोल दिया गया कि अगर आप मिस्टर ए से ये मटेरियल खरीदते हो, उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हो और वापस मिस्टर ए को बेच देते हो, तो इसको भी हम वर्क की डेफिनेशन में ही इंक्लूड करेंगे, और क्योंकि वर्क की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे 194C के प्रोविजंस आ जाएंगे। या तो नॉर्मली क्या होगा, मिस्टर ए इनको मटेरियल देंगे, प्रिंट करके वापस दे देंगे, अपने प्रिंटिंग चार्जेस ले लेंगे, या फिर ये मिस्टर ए से मटेरियल परचेज करते हुए दिखाते हैं और ये वापस इन्हीं को बेच देते हैं, तो हम बोलेंगे ये कोई आपने परचेज नहीं की, वापस आपने उन्हीं को बेच दिया, एक्चुअली ट्रांजेक्शन क्या थी, सिर्फ प्रिंटिंग करने की। इसको भी वर्क की डेफिनेशन में शामिल किया गया और 194C इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, अब कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ, मिस्टर ए ने क्या काम किया, मिस्टर ए ने खुद इनको मटेरियल सप्लाई नहीं किया, अपने किसी रिलेटेड पर्सन से, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के कोई ब्रदर है मिस्टर बी, इन्होंने खुद इनको मटेरियल सप्लाई नहीं किया, अपने ब्रदर से ये मटेरियल सप्लाई कराया, और इसमें कैसा लगेगा, इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे आप थर्ड पर्सन से मटेरियल खरीद रहे हैं। तो यहां पर जैसे ये थर्ड पर्सन से खरीदता था, ऐसे इन्होंने ये मटेरियल मिस्टर बी से खरीदा। मिस्टर बी कौन थे, रिलेटेड पर्सन थे मिस्टर ए के, ये इनके ब्रदर थे। तो आपने यहां पर मिस्टर बी से मटेरियल खरीदा और फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग की और वापस इनको बेच दिया। कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, ये कैसे ट्रांजेक्शन बनाना चाह रहे थे, इसको परचेज की ट्रांजेक्शन, कि जैसे कि मिस्टर ए ने इनसे सामान परचेज किया है। बट लॉ ने यहां पर कहा कि लोग इसका इससे टैक्स इवेड करने की कोशिश कर रहे थे, यहां पर वो TDS की इम्प्लीकेशन से बच रहे थे। तो इस केस में ये प्रोविजन लाया गया कि जो भी कोई जॉब वर्कर है, ये जो जॉब वर्कर है, जब ये मटेरियल डायरेक्ट इनसे मिस्टर ए से खरीदता है कस्टमर से, या फिर कस्टमर के किसी रिलेटेड पर्सन से भी खरीदता है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या है, जो हम 40A2 में पढ़ते हैं रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। तो अगर आज आप डायरेक्ट मिस्टर ए से खरीदें या मिस्टर ए के रिलेटेड पर्सन से भी खरीदे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने थर्ड पर्सन से खरीदा है सर और फिर इनको बेचा, तो ये तो नॉर्मल परचेज की ट्रांजेक्शन थी। नो, इस केस में आप इनसे खरीदे या फिर इनके रिलेटेड पर्सन से खरीदें, अगर आप इनको वापस डायरी सप्लाई कर रहे हैं प्रिंट करने के बाद, इसके ऊपर भी 194C की प्रोविजंस लग जाएंगे, ये भी हमारे डेफिनेशन ऑफ वर्क में इंक्लूड कर दिया गया। तो बस एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है 194C में, इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 194C का मैं दोबारा से समरी कर रहा हूं, 194C का यहां पर स्कोप बढ़ाया गया क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, ये मिस्टर एक्स जो जॉब वर्कर हैं, ये कहीं से भी थर्ड पर्सन से सामान खरीद के जब इनको बेचते थे तो उसके ऊपर TDS के प्रोविजंस नहीं आते थे। यहां पर मिस्टर ए ने क्या कहा कि सर इन्होंने तो सामान मेरे भाई से खरीदा है, ठीक है, मेरे ब्रदर से खरीदा है उन्होंने सामान, या मेरे फादर से खरीदा है, मेरे सन से खरीदा है ये सामान और मुझे दिया, तो थर्ड पर्सन से खरीदा है सर, तो यहां पर भी 194C के प्रोविजन नहीं आने चाहिए, क्योंकि 194C में लिखा था कि अगर मुझसे खरीदेंगे ये सामान तो 194C के प्रोविजंस आते थे। बस यहां पर क्या लिखा गया है, आज ये इनसे खरीदें या इनके किसी रिलेटेड पर्सन से भी खरीदेंगे तो भी 194C के प्रोविजंस आने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी माइनर अमेंडमेंट इन 194C डेफिनेशन ऑफ वर्क। आज अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर, क्या हुआ था यहां पर, ये कुछ चीजें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है, डायरी या सप्लाई करी एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग मटेरियल, और मटेरियल किसका यूज किया, कस्टमर का ही, यहां से इनका यूज किया या परचेज किया इनसे डायरेक्टली, या तो इन्होंने इनको मटेरियल सप्लाई करा प्रिंटिंग करके इन्होंने दे दिया, या फिर ऐसा हो सकता था कि यहां से इन्होंने परचेज किया और फिर वापस इन्हीं को सेल कर दिया, तो हम इसको भी वर्क में के डेफिनेशन में मानते थे। आज बस एक और एक्स्ट्रा बात ऐड हो गई है
कि आज आप मटेरियल अगर यहां से भी नहीं खरीदते बल्कि इनके किसी रिलेटेड पर्सन से भी खरीदते हैं और वापस इनको बेच देते हैं, इसके ऊपर भी 194C के प्रोविजंस आ जाएंगे। तो लिखा हुआ है, आज अगर आप मटेरियल परचेस करते हैं किससे, कस्टमर से और हिज एसोसिएट से या उसके एसोसिएट से, कस्टमर के एसोसिएट से, कस्टमर से सामान खरीदें या फिर उनके एसोसिएट से, जो भी उनके रिलेटेड पर्सन है उनसे सामान खरीदें। एसोसिएटेड कौन? जो हमारा 48(2) रिलेटेड पार्टी का होता है PGBP में, ठीक है। और देखते थे ना, रिलेटेड पार्टी को आपने एक्सेसिव पेमेंट कर दी है तो जितनी एक्सेसिव की है वो डिसअलाउ हो जाता था। तो जो वहां पर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन थी वो सारी डेफिनेशन यहां पर अप्लाई होंगी। ओके, तो अगर आज आप कुछ परचेज करेंगे कस्टमर से या उनके एसोसिएट से, बींग अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू द कस्टमर इन द मैनर एज डिफाइंड इन 48(2), जो 48(2) में डिफाइंड है, तो इसको भी आज हम वर्क की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, तो यहां पर भी TDS के प्रोविजंस आने वाले हैं, ठीक है। तो वर्क की डेफिनेशन को थोड़ा सा इनहांस कर दिया गया है। ये क्यों आई थे प्रोविजन, ठीक है, इस बार फाइनेंस एक्ट 2020 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा था कि कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे थे। वो लोग खुद सामान नहीं बेचते थे, अपने किसी एसोसिएट के थ्रू ये सामान बिकवाते थे, ठीक है, बिकवाते थे और वापस खरीद लेते थे कोई प्रोसेस कराने के बाद, और वो कहते थे सर ये तो थर्ड पार्टी से खरीदा है जॉब वर्क करने। तो यहां पर ये बोला गया नहीं, अगर आपसे खरीदा है सामान या फिर आपके किसी एसोसिएटेड पार्टी से अगर मटेरियल परचेस किया है और फिर वापस आपको सप्लाई किया है, तो दिस विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्क, 194C यहां पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट अमेंडमेंट 194J। 194J क्या होता था? टेक्निकल सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं या प्रोफेशनल सर्विसेज आप अगर ले रहे हैं या फिर रॉयल्टी है, नॉन कॉम्पिटिंग फीस है, डायरेक्टर को रेमुनरेशन आप दे रहे हैं, तो TDS डिडक्ट होता था 194J में एट रेट ऑफ 10%, ठीक है। TDS डिडक्ट एट रेट ऑफ 10% था, कोविड की वजह से 7.5% हो जाएगा, ठीक है, याद आता है। बट हाँ, एक और चीज थी कि अगर आपने किसी की सर्विसेज ली है बीइंग अ कॉल सेंटर, तो उसमें TDS का रेट 2% होता था। ये लास्ट ईयर के चेंजेस थे, 10% वैसे तो 194J में TDS का रेट 10% ही था, बट लास्ट ईयर ये आ गया था कि कॉल सेंटर की अगर आपने सर्विसेज ली हैं तो TDS का रेट 2% हो जाएगा, ठीक है, 194J में। यहां पर दो चेंजेस और आए हैं। होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए कोई एसएससी हैं और इन्होंने सर्विसेज ली है टेक्निकल सर्विसेज लेट से 50,000 रुपीज की फ्रॉम मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी से ये टेक्निकल सर्विसेज ली हैं, तो इनको आपको पता है 30,000 से ऊपर है TDS डिडक्ट होगा 10%, ठीक है, जो नॉर्मली 10% का चलता है। तो मिस्टर ए को 194J में TDS डिडक्ट करना चाहिए था 10% बिकॉज ही हैज टेकन अ टेक्निकल सर्विसेज। बट यहां पर मिस्टर ए का ये कहना था कि नहीं सर, मैंने तो एक्चुअली इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और यहां पर 194J में TDS डिडक्ट नहीं होगा, 194C में TDS डिडक्ट होगा 1% या 2%, 1%, ठीक है, डिपेंड करता था ये इंडिविजुअल है तो 1%, अदरवाइज 2%, तो 1 या 2% के लिए। यानी कि इसके ऊपर होना था 194J में, बट लोग कहते थे नहीं सर ये 194J में फॉल नहीं करेगा, 194C में फॉल करेगा। और इतना ज्यादा ये आर्ग्यूमेंट 194C में आएगा या 194J में आएगा, ये इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट काफी केसेस में इतना बढ़ गया था कि लिटिगेशंस नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ लिटिगेशंस, ठीक है, ये लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ लोग कहते थे ये 194C में आएगा, AO का कहना था 194J में आएगा, और ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग हो गए। अल्टीमेटली इनकम टैक्स ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बातें मान रहे हैं आपकी। तो अल्टीमेटली वो लिटिगेशंस कम करने के लिए, वो नंबर ऑफ कोर्ट केसेस कम करने के लिए 194J में अमेंडमेंट लेकर आ गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहां पर इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि
अब इन केस ये आप फीस दे रहे हैं फॉर टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं, टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी रेट कर दिया गया है 2%। पहले तो टेक्निकल प्रोफेशनल रॉयल्टी वगैरह के लिए सबके लिए 10% रेट था, कॉल सेंटर के लिए तो 2% ही आ गया था, वो तो लास्ट ईयर की चेंजेस थे। इस साल क्या चेंजेस आया है कि अगर आप पैसे पे कर रहे हैं फॉर टेक्निकल सर्विसेज तो इसका रेट भी 2% ही कर दिया गया है। वो जो इतने सारे कोर्ट केसेस लिटिगेशन हो रहे थे 194C में आएगा, 194J में आएगा, जो लोग लड़ाई कर रहे थे उस लड़ाई को शांत कराने के लिए 194J को ही चेंज कर दिया गया। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको 2% EDS देना है ना, कोई बात नहीं दीजिए। 194J ने क्या चेंज कर दिया, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% रहेगा, बाकी सबके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया, रॉयल्टी हो गया, ठीक है, डायरेक्टर फीस हो गया, उन सबके लिए 10% ही रहेगा। ठीक है, एक चेंज तो ये आया, यानी कि आज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% हो गया है। अब हम जानते हैं कि रॉयल्टी भी इसी सेक्शन में आता है, 194J में रॉयल्टी भी आता है। अब रॉयल्टी की डेफिनेशन में एक चीज ऐड की गई है इस साल से, वहां पर भी एक चेंज आया है रॉयल्टी की डेफिनेशन में, कि जब भी कभी कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर है, जब वो अपने कॉपीराइट सेल करता है तो उसको भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में लिया जाएगा, उसको भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में लिया जाएगा जब आप अपनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वगैरह के कॉपीराइट्स वगैरह देते हो तो। और ऐसी रॉयल्टी के ऊपर टीडीएस का रेट 2% रहेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, रॉयल्टी की डेफिनेशन में चेंजेस आए, रॉयल्टी की डेफिनेशन में चेंजेस आए। आज रॉयल्टी में इंक्लूड कर दिया गया है कि जब फिल्म प्रोड्यूसर है वो अपने फिल्म्स के कॉपीराइट्स किसी को बेचता है तो उसको भी रॉयल्टी ही माना जाएगा। अब क्योंकि रॉयल्टी माना जाएगा तो 194J में टीडीएस भी डिडक्ट होगा, बट टीडीएस का रेट वहां पर ऐसी रॉयल्टी के लिए 2% रखा गया, अदर रॉयल्टी के लिए 10 ही है, बट सिर्फ फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के लिए 2% रखा गया है। तो 194J में 2% कहां कहां पर आ गया, दो जगह तो चेंजेस आ गए। टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% है रॉयल्टी, अगर वो किस तरह की है, वो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन या सेल करने की है तो उसके ऊपर भी 2% रहेगा। और हाँ, कॉल सेंटर वाला तो लास्ट ईयर ही आ गया था, ठीक है, कॉल सेंटर के लिए अगर आप सर्विसेज ली हैं तो इसके ऊपर भी 2% का टीडीएस जाएगा, बाकी सबके लिए 10% ही रहता है। अब 10% किस किस के लिए बचा, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10% आ गया, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिंग के लिए 10% आ गया, डायरेक्टर्स के लिए 10% रहा, और रॉयल्टी कौन सी, अदर देन, अदर रॉयल्टी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, अदर रॉयल्टी समझ गए, अदर देन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स वाली, उसके लिए 10% रहा है। 194J वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, MCQ भी हो सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है। 194J मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, 194C में भी छोटी सी अमेंडमेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आज एसोसिएट से भी अगर आप सामान परचेस करके बेच देते हैं वापस कस्टमर को, ठीक है, कोई भी प्रोसेस करके, तो इसको भी हम वर्क की डेफिनेशन में लेते हैं। 194J इज अगेन एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल नहीं, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% कर दिया गया, क्यों, लड़ाई हो रही थी 194C में, लोग कह रहे थे 194C में, असेसिंग ऑफिसर कह रहा था 194J में, उन्होंने कहा लड़ाई शांत करो, इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं इस पर, नए नए केसेस, 2% ही कर देते हैं। रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, इसके लिए भी 2% रहेगा, अदर रॉयल्टी के लिए 10 है, अदर रॉयल्टी के लिए 10 ही रहेगा। कॉल सेंटर वाली बातें तो पुरानी थी, इसके लिए जो 2% था, और बाकी अदर केसेस के में 10% आएगा। 194J अभी भी 10% है, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए डायरेक्टर्स को पैसे दिए हैं, नॉन कॉम्पिटिंग के पैसे दिए गए हैं, या फिर अदर रॉयल्टी है, वहां पर 10% रहेगा। याद रखिएगा, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% हो गया है, ये मुझे लगता है टेक्निकल सर्विसेज आपसे पूछा जाना चाहिए इस बार, ठीक है। तो दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ 194J। नेक्स्ट सेक्शन आया है 194K। एक्चुअली ये नया सेक्शन आया तो है, बट ये बीच में ओमिट कर दिया गया था, वापस रीइंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ ऑफ कोर्स। और ये बहुत आसान सेक्शन है, सेम एज
194 क्या होता है? डिविडेंड का. आपको पता है कि आज डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल हो गई है, ठीक है. 5000 से ज्यादा का अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है, ठीक है. कोविड की वजह से 7.5% चल रहा है. सिमिलरली आज जब डोमेस्टिक कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो हमारे शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होता है, ठीक है. पहले ये 1034 में एग्जम्प्ट हुआ करता था. सिमिलरली म्यूचुअल फंड कंपनीज जब आपको इनकम देती हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे हुए हैं, यूनिट होल्डर्स को जब इनकम मिलती है, ठीक है, यूनिट होल्डर्स को टाइम टू टाइम इनकम मिलती रहती है, इसलिए डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर, इसी तरह यूनिट्स के ऊपर भी इनकम मिलती है, तो पहले इसके ऊपर भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जैसे ही प्रोविजन थे 115R में, तो जैसे 115O को CDT वाले प्रोविजन हटाए गए, 115R वाले प्रोविजन हटाए गए, करने नहीं है याद ये सेक्शंस, ठीक है. अब तो ये इनऑपरेटिव हो गए हैं. पहले डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथों में एग्जम्प्ट होता था 1034 में. म्यूचुअल फंड कंपनीज यूनिट्स जब आपको इनकम देती थी तो 1035 में एग्जम्प्ट होता था. अब ये दोनों ही टैक्सेबल हो गए हैं. IFRS में हमने पढ़ चुके हैं इनके बारे में कि आज अब म्यूचुअल फंड कंपनी से आपको जब इनकम मिलती है तो नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. UTI से, UTI नहीं रहा, UTI स्प्लिट हो गया था, ठीक है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था, दिस इज नथिंग बट UTI, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या स्पेसिफाइड कंपनी, ये कौन है? UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो आज अगर आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स से पैसे मिलते हैं या UTI से, यूनिट UTI को हम कह सकते हैं आज एडमिनिस्ट्रेटर या स्पेसिफाइड कंपनी, वो स्प्लिट हो गई है, तो नाउ इट इज ऑल्सो टैक्सेबल. आज म्यूचुअल फंड से जब आपको पैसे मिलते हैं, नाउ इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, और इसके ऊपर TDS भी डिडक्ट होगा 10%, कोविड इंपैक्ट की वजह से 7.5% हो जाएगा. ये लिखा हुआ है यहाँ पर 7.5%, अगर ये TDS डिडक्ट होना था इन डेट्स के बीच में, ठीक है. थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी? 5000 रुपीज थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी. सो अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन 194 के. पहले सेक्शन ये डिलीट हो गया था क्योंकि पहले यूनिट्स से जब आपको पैसे मिलते थे तो 1035 में एग्जम्प्ट हुआ करते थे, तो फिर ये सेक्शन की जरूरत नहीं थी. अब ये सेक्शन दोबारा से रीइंसर्ट हो गया है थोड़े चेंजेस के साथ. पहले यहाँ पे 2500 की लिमिट होती थी, अब 5000 की हो गई. चलो पहले क्या होती थी वो छोड़ दीजिए, अब क्या होती है 5000 की. इसलिए मैंने ऊपर लिखवा दिया है कि सेम एज 194 ही है ये. तो जो प्रोविजंस 194 के हैं डिविडेंड के, वही 194K के ऊपर भी आते हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. आगे बढ़े, दो अमेंडमेंट और बची हैं, इंपॉर्टेंट हैं वो भी. इनफैक्ट वो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. इनफैक्ट 194N तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं मैं. 194N और एक दूसरा सेक्शन इंसर्ट हुआ है 194O. दिस इज ऑल्सो नाउ नया सेक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. चलिए पहले N की ही बातें करते हैं. ये सेक्शन लास्ट ईयर आया था, ठीक है. तो आपने लास्ट ईयर ये सेक्शन पढ़ा होगा 194N. इस बार इस सेक्शन में चेंजेस भी आ गए हैं. क्या होता था 194N? जब कभी भी यहां पर हम 1 करोड़ से ज्यादा पैसे विड्रॉ करते थे अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, चाहे वो हमारा सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, अगर वहां से हम 1 करोड़ से ज्यादा पैसे विड्रॉ करेंगे तो 2% का TDS डिडक्ट हो जाता था इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़. इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर सुमित हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा. पहले मैं पुराने प्रोविजंस डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, फिर चेंजेस आए हैं जो वो भी डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इनका अकाउंट है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका अकाउंट है, और यहां से ये पूरे साल में, ठीक है, ये लास्ट ईयर की अमेंडमेंट थी, पूरे साल में फॉर एग्जाम्पल अगर ये 98 लाख विड्रॉ करते थे तो कोई TDS नहीं आता था. फॉर एग्जाम्पल ये 100 लाख विड्रॉ करते थे पूरे साल में तो कोई TDS नहीं आता था.
फॉर एग्जाम्पल ये 101 लाख विड्रॉ करते थे तो टीडीएस आ जाता था, ठीक है। 194N लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था क्योंकि नया सेक्शन आया था, और इस बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो पुराना सेक्शन को एक तरीके से अब नया कर दिया गया है, काफी ज्यादा अमेंडमेंट आ गई है इसमें। तो अगर ये 101 लाख विड्रॉ करते थे तो जितना इन एक्सेस ऑफ 100 लाख विड्रॉ करेंगे, यानी कि 1 लाख रुपीज 1 लाख के ऊपर, इन एक्सेस ऑफ 100 लाख के ऊपर 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेता है बैंक। तो SBI टीडीएस डिडक्ट कर लेता था 2%, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 100 लाख, ठीक है। वेदर दिस इज हिज सेविंग बैंक अकाउंट या फिर दिस इज हिज करेंट अकाउंट, तो हम लोग 100 लाख से ऊपर अगर आप विड्रॉ करते थे तो टीडीएस डिडक्ट कर लेते थे, ठीक है। थोड़ा सा और समझा देता हूं पुरानी बातें, और क्या होता था, लेट्स से इनके SBI में ही 3 अकाउंट हैं, SBI 1, SBI 2, SBI 3, ठीक है। दिस इज सेविंग बैंक अकाउंट, दिस इज सेविंग बैंक अकाउंट अलग अलग ब्रांचेस में, एंड दिस इज करंट अकाउंट। तो यहां पर हम देखते थे कि आपका बैंक चाहे उसकी ब्रांचेस जितनी भी हैं हम उसका एग्रीगेट करते थे कि आपने कितना कहां कहां से विड्रॉ किया है, हम उसका टोटल देखते थे किसी भी बैंक का। तो SBI अपना एग्रीगेट करेगा कि इन्होंने हमारी ब्रांच नंबर 1 से कितना पैसा विड्रॉ किया है, अगर उनका ब्रांच नंबर 1 में भी अकाउंट है, 2 में, 3 में, तो लेट से यहां से इन्होंने 50 लाख रुपीज विड्रॉ किए हैं, यहां से इन्होंने 10 लाख रुपीज विड्रॉ किए हैं, और यहां से इन्होंने 60 लाख रुपीज विड्रॉ किए हैं। तो SBI अपनी सभी ब्रांचेस का एग्रीगेट करके देखेगा, 50, 10, 60 प्लस 60, 120 लाख विड्रॉ किए हैं, तो इन एक्सेस ऑफ 100 लाख 20 लाख के ऊपर 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेता था, ठीक है। रिवाइज हो रहा है पुरानी बातें कि आपके अगर एक ही बैंक में अलग अलग ब्रांचेस में भी अकाउंट है आपके एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेस में भी अकाउंट है तो उसका पूरा एग्रीगेट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये भी ये प्रोविजन पहले भी था, अभी भी यही प्रोविजन है। मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं, लेट से सुमित का अकाउंट है SBI ब्रांच 1, SBI ब्रांच नंबर 2 में, और लेट से इनका एक अकाउंट है PNB में, ठीक है, PNB में एक ही अकाउंट है, और इन्होंने SBI की ब्रांच नंबर 1 से विड्रॉ किए हैं 45 लाख, SBI ब्रांच नंबर 2 से विड्रॉ किए हैं लेट से 35 लाख, और PNB से विड्रॉ किए हैं लेट से 50 लाख। तो पूरे साल कितना विड्रॉ करा सर, 1 करोड़ से ऊपर हो गया, टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, बिकॉज हर बैंक अपनी ब्रांचेस देखता है, तो SBI अपनी ब्रांचेस देखेगा, तो SBI PNB की जाकर नहीं देखेगा कि वहां से कितना विड्रॉ किया है, तो SBI का आप अलग कैलकुलेट करेंगे, 45 और 35 दैट मेक्स 80 लाख, कोई टीडीएस नहीं आएगा, और PNB से 50 लाख ही विड्रॉ करे हैं, 1 लाख से 100 लाख से ऊपर नहीं गया, 1 करोड़ से ऊपर नहीं गया है, तो TDS यहां पर भी नहीं आएगा, ठीक है। पुरानी बातें थी, अब ऐसा नहीं है कि आपने जितने भी सारे बैंक से विड्रॉ किया उन सबका सम टोटल देखेंगे, नहीं, हर बैंक का अलग अलग देखना है। हाँ, अगर किसी एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेस हैं आप उसका टोटल कर सकते हैं, दूसरे बैंक को प्लीज अलग रखिएगा, पहले भी यही था अभी भी यही है, ठीक है। तो आई बिलीव आपको 194N पुराना वाला याद आ गया होगा। अब चेंजेस क्या आए हैं, लिखा गया है अब 100 लाख से जब आप ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो इन एक्सेस ऑफ 100 लाख हम आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे 2%, ठीक है, हम आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे 2%। सर ये तो वही पुरानी बातें थी, हाँ जी बिल्कुल पुरानी बातें हैं, बट इसमें कंडीशन लगा दी गई है, कंडीशन ये लगा दी है
कि आपकी, अच्छा ये अमेंडमेंट कब से आई है, ये अमेंडमेंट आई है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2020 से ये अमेंडमेंट आई है 194N में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 194N था TDS ऑन कैश विड्रॉल। TDS ऑन कैश विड्रॉल लास्ट ईयर ये सेक्शन आ गया था, इस बार दोबारा से चेंजेस आए हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। और आप, मैं चाहूंगा कि आप ये डेट याद रखें बिकॉज इसकी काफी रेलेवेंस है, इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2020 से अमेंडमेंट आई है। अब क्या हो गया है, लिखा है कि अगर आप 100 लाख से ज्यादा विड्रॉ करेंगे, 100 लाख से ज्यादा विड्रॉ करेंगे, तो जितना भी आपने 100 लाख से एक्सेस में विड्रॉ किया, 100 लाख से ज्यादा विड्रॉ किया, उसके ऊपर 2% का TDS डिडक्ट होगा, उसके ऊपर 2% का TDS डिडक्ट होगा। कंडीशन क्या है कि आपकी लास्ट 3 returns, पिछली 3 return ड्यू डेट पे फाइल होनी चाहिए। आपकी लास्ट 3 returns, ठीक है, लास्ट की 3 returns आपकी ड्यू डेट तक, ड्यू डेट जो कि मेंशन है 139(1) में, मतलब जो आपकी नॉर्मल ड्यू डेट होती है टाइम से जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, बिलेटेड ना हो, टाइम से फाइल्ड हुई हो, अगर आपकी लास्ट 3 returns, तो हम आपके ऊपर ये प्रोविजंस लगाएंगे। इतना समझ में आया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये लास्ट 3 returns कौन कौन सी देखनी है, ठीक है। यहां पर यह बोला गया कि ये ईयर है प्रीवियस ईयर 2021। यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर। इन्होंने कहा ये प्रीवियस ईयर है 2021, कब से शुरू हुआ है, डेट है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है। आपके पिछले 3 साल देखिए, वो 3 साल देखिएगा जिनकी ड्यू डेट इस डेट पर एक्सपायर हो गई हो, जिनकी ROI की ड्यू डेट इस दिन पर एक्सपायर हो गई हो, आपको वो 3 returns देखनी है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले ये जो प्रीवियस ईयर 2021 है, इससे पहले वाला ईयर कौन से आते होंगे, तो मैं देखता हूं कि मेरे पास आते होंगे प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 1718, ये 3 साल आते होंगे। मैं 1 साल और भी ले लेता हूं, ठीक है सर, क्यों ले रहे हैं, 1 मिनट ले लेता हूं, ठीक है, 1617। हमें वो 3 साल देखने हैं जिनकी ड्यू डेट इस डेट तक एक्सपायर हो गई हो। हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021, ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, तो हम वो 3 साल देख रहे हैं जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो। अब प्लीज बताइए 1920 की ड्यू डेट क्या होगी, रिटर्न फाइल करने की, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी। सर ड्यू डेट होती है 31 जुलाई या 30th सितंबर, अब तो वो 31 अक्टूबर भी हो गई इस साल से, लास्ट ईयर तक तो 30th सितंबर ही थी, हम 31 जुलाई ही मान के चलते हैं, ठीक है। मुझे प्लीज बताइएगा 1920 ये ईयर खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2020 को, हमें 4 महीने मिलते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, इसकी ड्यू डेट क्या होगी, इसकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2020, ठीक है। इस ईयर की ड्यू डेट क्या होगी 1819 खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2019 को, वहां से 4 महीने मिलते हैं, 4 महीने मिलेंगे तो कितना बनेगा 31 जुलाई 2019, पक्का सब लोग समझ गए, यहां पर बनेगा हमारा 31 जुलाई 2019। 1718 की ड्यू डेट क्या होगी सर 31 जुलाई 2018, और 1617 की ड्यू डेट क्या होगी 31 जुलाई 2017, पक्का ओके, ठीक है। सितंबर भी ले सकता था, जुलाई भी ले सकता था, मैंने तो बिल्कुल लेटेस्ट ले लिए, जुलाई ही ले लेते हैं। अब प्लीज मुझे बताइएगा ये जो 1 अप्रैल 2020 है, कौन कौन सी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी होंगी अभी तक, क्या ये प्रीवियस ईयर 1920 की ड्यू डेट एक्सपायर हुई है? द आंसर इज नो सर, इसकी ड्यू डेट तो 31 जुलाई 2020 है, हमें तो 1 अप्रैल 2020 तक जो एक्सपायर हो गया वो ईयर चाहिए,
तो हम दिस ईयर, हम ये ईयर नहीं ले पाएंगे. क्यों? क्योंकि अभी इसकी ड्यू डेट तो एक्सपायर नहीं हुई है. क्या ये 31 जुलाई 2019 एक्सपायर हो चुका है? हाँ. किसके हिसाब से देखिएगा? 1 अप्रैल के, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर हमें टीडीएस डिडक्ट करना है उस ईयर के शुरुआत में देखिए, क्योंकि उस ईयर के शुरुआत में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे. तो आपको ये देखना था कि क्या इन्होंने अपनी लास्ट 3 साल की रिटर्न टाइम से फाइल की थी. तो अभी इस रिटर्न के बारे में तो बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो इसकी ड्यू डेट बची हुई है. ठीक है, अभी तो इसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई है. बट दिस 3 ईयर्स 18, 19, 17, 18, 16, 17, ये तीनों ड्यू डेट्स एक्सपायर हो गई हैं. ठीक है, सबको ये बातें समझ में आ गई? आई एम अगेन रिपीटिंग, 194N में कुछ चेंजेस आए हैं. सबसे पहले बोला गया कि आज अगर आप 100 लाख से ऊपर पैसे विड्रॉ करेंगे, 100 लाख से ऊपर पैसे विड्रॉ करेंगे, देखो लास्ट ईयर जब 194N इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो ये पिछले साल की ड्यू डेट्स वगैरह देखने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था. 1 जुलाई 2020 से ये प्रोविजन आया, 1 जुलाई 2020 से ये प्रोविजन आया, अगर आप 100 लाख से ऊपर पैसा विड्रॉ करेंगे तो हम आपका 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे. इन एक्सेस ऑफ 100 लाख, जितना भी 100 लाख से ऊपर जाता है उसके ऊपर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा. और ये प्रोविजन हम तब लगाएंगे जब आपके पिछले तीनों साल की रिटर्न टाइम से फाइल हुई हो. पिछले तीनों साल का मतलब क्या आता है? जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी हो. तो हमें पता चला प्रीवियस ईयर 2021 से पहले के 3 साल तो बनते हैं 19, 20, 18, 19, 17, 18, बट 1920 को आपको नहीं लेना है क्योंकि इसकी ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है. तो आपको लेने हैं 18, 19, 17, 18 एंड 16, 17. इन तीनों की ड्यू डेट्स एक्सपायर हो चुकी होंगी. बस आप यहां पर एसएससी से पूछिए कि क्या आपने इन तीनों साल की रिटर्न टाइम से फाइल की थी या नहीं फाइल की थी. और अगर आपने यहां पर रिटर्न, तीनों रिटर्न पता चला, ऑल थ्री रिटर्न्स, ये तीनों रिटर्न्स अगर टाइम से फाइल की थी, आंसर इज यस. अगर आंसर आता है यस, हां मैंने टाइम से फाइल की थी, तब हम आपके ऊपर ये प्रोविजंस लगाएंगे कि 100 लाख से ऊपर जब आप विड्रॉ करेंगे तो 2% टीडीएस होगा. बट अगर आंसर आ जाता है नो, नहीं सर मैंने हो सकता था कि 18, 19 की टाइम से फाइल की, 17, 18 की 16, 17 की नहीं की, क्योंकि ऑल थ्री चाहिए था, किसी भी एक में रॉन्ग आ गया, किसी भी एक में आ गया कि बिलेटेड रिटर्न फाइल हुई थी, नहीं सर टाइम से फाइल नहीं हुई थी, बिलेटेड हुई थी रिटर्न फाइल, तब हम आपके ऊपर प्रोविजंस लगाएंगे कि अगर आपने प्रोविजन चेंज हो जाएंगे आपके लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोविजन आ जाएगा कि 20 लाख से ऊपर विड्रॉ आप करेंगे, 20 लाख से भी ऊपर विड्रॉ करेंगे तो हम आपका 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे. यानी कि देखिए पहले कैसे करते थे, 100 लाख से ऊपर 2% करते थे, बट आज अगर आप 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करेंगे तो 2% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा अगर आप 20 लाख से ऊपर जाते हैं. और अगर आप 1 करोड़ से भी ऊपर जाते हैं, 100 लाख से ऊपर जाते हैं, तो आपका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा. ठीक है, दोबारा से एक बार थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से 5-10% समझ में आ गया. 90% नहीं आया तो कोई बात नहीं, 5-10% आ गया ना, इट्स ओके, अभी आ जाएगा 100% तक. दोबारा समझते हैं. ठीक है, अगर आपको 5-10% से ज्यादा आ गया है तो बहुत अच्छा है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 194N. थोड़ा टाइम लगाने वाला हूं यहां पर, मैं कुछ इलस्ट्रेशन भी ज्यादा यहां पर डिस्कस करूंगा, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम हेयर दिस टाइम. 194N, 194N क्या कहता है कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, अपने बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, और वो 100 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं तो 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगा वो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस. ठीक है, 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा. इसमें कुछ चीजें अब और ऐड हो गई हैं. इन्होंने कहा कि अगर आप 100 लाख से ऊपर विड्रॉ करेंगे तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा इन एक्सेस ऑफ 100 लाख, इन एक्सेस ऑफ 100 लाख अगर आपकी पिछले 3 साल की रिटर्न टाइम से फाइल हुई थी, तो फिर हम ये प्रोविजंस लगाएंगे आपके ऊपर. वो 3 साल कौन से देखे जाएंगे? जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी हो. तो प्रीवियस ईयर 2021 में अगर देखा जाता है, प्रीवियस ईयर 2021 शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 तक,
तो हम देखते हैं कि इस दिन कौन कौन से ऐसे ईयर हैं जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो पता चलता है कि जो लास्ट वाला ईयर है 1920 उसकी ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है, 31 जुलाई 2020 है उसकी ड्यू डेट, तो इस ईयर को नहीं लेना, इससे पहले के 3 साल देखने हैं। और पता चलता है हाँ हमने रिटर्न टाइम से फाइल की थी, बिलेटेड नहीं थी रिटर्न, टाइम से फाइल हुई थी 139(1) के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जो हमारी ड्यू डेट होती है वहां तक हमने फाइल कर दी थी, आंसर इज यस, तो फिर हम आपके ऊपर 100 लाख वाला प्रोविजंस लगाएंगे, 20 लाख के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, 100 लाख के ऊपर करेंगे। बट अगर आंसर आ जाता है नहीं सर वो पिछले जो 3 साल थे उसमें से किसी भी एक साल में या 2 साल में या तीनों ही साल में लेट रिटर्न फाइल हुई थी, किसी भी एक में भी अगर हुई थी, तो फिर हम आपके ऊपर 20 लाख के बाद ही टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करेंगे, 20 लाख के बाद टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करेंगे, 20 लाख से ऊपर 100 लाख तक तो 2%, और अगर ये 100 लाख से भी ऊपर जाएगा तो 5%। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा, ओके। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि सर ये जो प्रोविजन आया ना वो कहता है कि अब 100 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट विड्रॉ होगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। 100 लाख से जो एक्सेस अमाउंट होगा या 20 लाख से जो एक्सेस अमाउंट होगा, जो जितना एक्सेस जा रहा है उसी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एसएससी है जिसने अपनी रिटर्न टाइम से तीनों फाइल की थी, तो फॉर एग्जांपल उसने 102 लाख रुपीज निकाले हैं अपने बैंक से, तो 2 लाख के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करिएगा, 2 लाख के ऊपर, इन एक्सेस ऑफ 2 लाख। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस कैटेगरी में आता है कि उसने अपने पैसे विड्रॉ करे हैं जैसे 70 लाख रुपीज विड्रॉ करे हैं, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा, आंसर इज यस, 20 लाख के ऊपर तो अब टीडीएस डिडक्ट होना है, यानी कि शुरू के 20 लाख को छोड़ दीजिए, बाकी का इन एक्सेस ऑफ 20 कितना आया, 50 लाख के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा 2%। और मान लेते हैं कि अगर उसने यहां से वो इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में रिटर्न लेट फाइल हुई थी उसकी, फॉर एग्जाम्पल उसने 105 लाख विड्रॉ करे हैं, शुरू के 20 लाख पर कोई टीडीएस नहीं आएगा, शुरू के 20 लाख पर देर वुड बी नो टीडीएस, 80 लाख पर टीडीएस आएगा 2%, और 5 लाख के ऊपर टीडीएस आएगा 5%। ठीक है, सब लोग समझ गए हो, शुरू के 20 लाख पर कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट 80 लाख पे 2%, 5 लाख पे 5%। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बैंक को सर कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि उसने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल किया या नहीं फाइल की है, बैंक को कैसे पता चलेगा कि उसने, क्योंकि बैंक के पास तो उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो हो सकती है, वो 1 करोड़ की लिमिट तो या 20 लाख की लिमिट तो कैलकुलेट कर सकता है, बट उसने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल किया या नहीं किया वो बैंक को कैसे पता चलेगा। तो बैंक ने अब क्या किया है, कुछ बैंक ने उन्होंने एक फॉर्म निकाला है अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए, और उनसे वो डिक्लेरेशन लेते हैं, उनसे वो डिक्लेरेशन लेते हैं कि आपकी रिटर्न टाइम से फाइल हुई थी या नहीं फाइल हुई थी। ठीक है, बट आज मैं आपको बता दूं, आज ये बैंकिंग के सर्वर, क्योंकि यहां पर भी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह होता है आपका, ये आज इनकम टैक्स की सर्वर से भी लिंक कर दिए गए हैं, तो आज जैसी एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या होता है, आज जब कभी भी अकाउंट ओपन करता है वहां पर बैंक का जो कैशियर है वो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन करता है तो वहां पर पॉपअप आ जाता है कि इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल की थी या नहीं फाइल की थी। ठीक है, वैसे कुछ बैंक डिक्लेरेशन भी ले रहे थे, मैं आपको दिखा भी दूं आजकल बैंक्स किस तरह से डिक्लेरेशन लेते हैं। तो ये एक ना मैंने ना इंडसइंड बैंक की साइट से ये डाउनलोड किया, ये इंडसइंड बैंक की साइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो चेंजेस ऑफ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 के बाद चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, ये पेज मैं आपको थोड़ी देर बाद पढ़ा देता हूँ, बट जो डिक्लेरेशन आजकल ये ले रहे हैं, देखो कस्टमर डिक्लेरेशन 194N के आने के बाद जो चेंजेस आए हैं, स्पेसिफिकली रिटर्न को देखनी है तो ये कस्टमर से डिक्लेरेशन ले रहे हैं, नाम क्या है कस्टमर का है, ठीक है, और उसका पैन नंबर है, उसका अकाउंट नंबर है, वो सब डिक्लेरेशन ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपनी जो 3 साल की रिटर्न है टिक कीजिएगा, कब कब डिपॉजिट कराई थी, किस किस डेट पर डिपॉजिट कराई थी, जिससे बैंक को यहाँ से पता चल जाए कि इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल की थी या लेट फाइल की थी। ठीक है, इनको प्रूफ भी देना पड़ता है, बट मैं आजकल बता देता हूँ, आजकल ये डिक्लेरेशन भी इतनी ज़रूरी नहीं हो गई है, क्योंकि आज बैंक के सर्वर इनकम टैक्स की सर्वर से लिंक्ड है, वहां पर खुद ही पॉपअप आ जाता है कि इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल की थी या नहीं फाइल की थी। ठीक है, लिखा भी है कि अगर आप टाइम से फाइल की थी
तो 1 करोड़ के ऊपर 2% टीडीएस के डिडक्ट करोगा, 1 करोड़ के ऊपर। ठीक, कुछ लोगों का कहना था कि सर फिर पूरे अमाउंट के ऊपर होता है, द आंसर इज नो, पूरे अमाउंट के ऊपर नहीं होता है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा होता है कि डिडक्ट टीडीएस एट रेट ऑफ 2% ऑफ कैश विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ से जब ऊपर जाएगा तब टीडीएस डिडक्ट होगा 2%। ठीक है, अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल की थी, अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की थी, ठीक है, या फिर आपने डिक्लेरेशन नहीं दी है, फिर हम क्या करेंगे, इन एक्सेस ऑफ 20 लाख, इन एक्सेस ऑफ 20 लाख, 20 लाख से ऊपर जितना आपने विड्रॉ किया है, अप टू 1 करोड़ 2% टीडीएस, 1 करोड़ के एक्सेस में, 1 करोड़ के एक्सेस में 5% टीडीएस। ठीक है, इस तरह की डिक्लेरेशन लेते हैं। हाँ अच्छा, आपको एक पुरानी बात तो पता है ना, टीडीएस का रेट क्या होता है, हर सेक्शन में अलग अलग रेट है, जैसे यहां पर 2% भी है, 5% भी है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई अपना पैन नंबर नहीं देता है, ठीक है, ये तो हम कॉमन बातें जानते हैं सभी सेक्शंस के बारे में, कि इन केस अगर कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर नहीं देता है या पैन नंबर गलत देता है, तो उसका टीडीएस का रेट क्या हो जाता है, जो करंट रेट है उस सेक्शन का, या 20% विच एवर इज हायर, 20% विच एवर इज हायर। यानी कि अगर आपने अपना पैन नंबर नहीं दिया हुआ तो फिर 1 करोड़ के ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, 2% या 20%, 20% भी हो सकता है। ये तो कॉमन प्रोविजंस थे, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर 194N के जो रेट है वो है 2% और 5% भी हो गए हैं अब तो। बट अगर आपका पैन नंबर ही नहीं है तो फिर कितना रेट हो जाएगा, जहां जहां पे 2 था वो 20 हो जाएगा, जहां जहां पर 5 था वो भी 20 हो जाएगा। पक्का ये बात पता है ना आपको, इसलिए देखिए, अब मैंने लास्ट पेज आपको नहीं पढ़ाया था, अब आप शायद समझ जाएंगे। ये टेबल देख ली, ये आपको याद नहीं करना, ये तो मैंने किसी बैंक से सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए मैंने निकाल लिया है। देखिए, अगर आप ने यहाँ पर रिटर्न वगैरह टाइम से फाइल कराई थी, या फिर ये वाले टेबल बनाए हुए हैं 31 जुलाई 2020 से पुराना। ठीक है, पहले क्या होता था, 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं, 1 करोड़ से ऊपर 2% टीडीएस। अब क्या हो गया, अब आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, अब आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। और अगर आपने डिक्लेरेशन दे दी, और ऐसी डिक्लेरेशन दी कि आपका रिटर्न टाइम से फाइल नहीं हुई थी, तो 20 लाख से 1 करोड़ तक तो 2%, 20 लाख तक कुछ नहीं, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5%। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आपने पैन ही सबमिट नहीं करा, पैन नंबर ही नहीं दिया अपना, तो ऑब्वियसली ये 2% कट होके या 5% कट होके कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं कि अगर आपका पैन अपडेटेड नहीं है तो फिर तो 20 लाख से ऊपर ही हम सीधा सीधा 20% कर देंगे। ठीक है, या फिर आपका पैन अपडेटेड नहीं है, आपने डिक्लेरेशन दे दी है कि 1 करोड़ तक मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, 1 करोड़ से ऊपर होगा, तो कितना होगा, 2%। ठीक है, 2% हो जाएगा। बट अगर आपका पैन नंबर अपडेट नहीं है तो 20% हो जाएगा। तो ये पैन नंबर अपडेट वाली बात तो कॉमन है, तो मुझे लगता है सब लोग जानते हैं, जहां जहां जो भी रेट्स होते हैं 2% या 5%, उसको हम फिर चेंज करके 20% कर देते हैं। तो दिस इज यू ऑल नो, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस आता हूं। एग्जाम्पल 1 देखिएगा, कुछ बातें हैं मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, बट उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। पेज नंबर 29 पर एग्जाम्पल 1, मैंने कुछ इसके एग्जाम्पल्स ना बाद में भी अपडेट किए हैं, तो यू कैन डाउनलोड द फ्रेश PDF ऑल्सो। ठीक है, तो मिस्टर अंकित हैज बैंक अकाउंट विद कोटैक महिंद्रा बैंक, अंकित का एक बैंक अकाउंट है कोटैक महिंद्रा बैंक के साथ। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज विड्रॉल फ्रॉम हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो 2021 में इन्होंने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, 15/4/2020 को इन्होंने 80 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। अब प्लीज मुझे बताइए, 15/4/2020 को, आपको मैंने कहा था कि एक डेट आपको हमेशा याद रखनी है, इस केस में 1 जुलाई 2020, क्योंकि इसके बाद चेंजेस आए हैं। इससे पहले पुराना लॉ लगता था 1 करोड़ वाला, उसके बाद हमारा लॉ चेंज हो गया, 1 करोड़ भी लग सकता है, 20 लाख भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न्स कैसे फाइल हुई थी। तो प्लीज मुझे बताइए, 15/4/2020 80 लाख इन्होंने विड्रॉ करें, इस समय कितना टीडीएस आएगा, नो टीडीएस, क्योंकि उस समय तो पुराना प्रोविजन था 1 करोड़ से ऊपर का।
अब इन्होंने 89/2020 को, 89/2020 मतलब जुलाई के बाद जब नया लॉ आ गया, यहाँ पे 40 लाख विड्रॉ किए हैं, यहाँ पे 40 लाख विड्रॉ किए हैं। तो अब प्लीज मुझे बताइए टीडीएस कैसे आएगा, कितना टीडीएस आएगा। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये 1 करोड़ वाले प्रोविजन में आते हैं या 20 लाख वाले प्रोविजन में आते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करते हैं, 1 करोड़ की या 20 लाख की। वो कैसे पता चलता है कि इनकी जो पीछे की 3 रिटर्न्स थी, कौन सी पीछे की 3 रिटर्न्स, जिनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी थी, क्या वो अगर टाइम से फाइल हुई है तो 1 करोड़ के बाद टीडीएस, अगर वो किसी भी ईयर की रिटर्न टाइम से फाइल नहीं हुई थी तो 20 लाख के बाद टीडीएस डिडक्ट होगा। तो लिखा हुआ है ही हैज फर्निश्ड ऑल हिज रिटर्न विद इन ड्यू डेट, यानी कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर इन्होंने ड्यू डेट के तक अपनी सारी रिटर्न्स फाइल करी हुई हैं पुरानी। ठीक है, लिखो ना ऑल इज रिटर्न, तो मान लें सारी रिटर्न्स टाइम से फाइल हुई हैं, तो 1 करोड़ के ऊपर प्रोविजंस लगेंगे। अब प्लीज मुझे बताइए 80 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, यहां पर इन्होंने 40 लाख विड्रॉ किया है, अब आप क्या करेंगे, 80 लाख पुराना टोटल, यहां पे 40 लाख टोटल हो गया 120 लाख, टीडीएस डिडक्ट होगा। कब होगा, जब 1 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे हम, तो 80 लाख तो ऑलरेडी यहां पे जा चुके थे, 20 लाख यहां तक और आ जाएंगे, तो रिमेनिंग 20 लाख पर यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा 20 लाख पर कितना परसेंट, 2%, 5% या 2%, 2%, 5% वाला तब आता है जब रिटर्न टाइम से फाइल नहीं होती, अदरवाइज 2% ही रहता है। ठीक है, तो यहां पर 20 लाख पर, ठीक है, 20 लाख पर टीडीएस डिडक्ट होगा 89/20 को, इस डेट को 2%। सब लोग समझ गए हैं, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हैं ये सारी, ऐसी इलस्ट्रेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए और देखते हैं, कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। विनय हैज बैंक अकाउंट विद इंडसइंड बैंक, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज विड्रॉल फ्रॉम हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। इन्होंने 15/5/2020 को 80 लाख विड्रॉ करे, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां पर लॉ चेंज नहीं हुआ था, 1 करोड़ तक का ही लॉ था 1 जुलाई तक। ठीक है, यानी कि ये 1 जुलाई से पुरानी बातें हैं, ये 1 जुलाई के बाद की बातें हैं यहां पर। ठीक, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर 45 लाख विड्रॉ कर लिए, अब 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखना है कि इनके लिए 1 करोड़ की लिमिट लगनी है, 20 लाख की लिमिट लगनी है, तो उसके लिए हमें इनकी रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए। ही हैज नॉट फर्निश्ड ऑल हिज रिटर्न विद इन ड्यू डेट, ही हैज Not furnished all his returns. इन्होंने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की थी, तो ये तो 20 लाख के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए था अब इनका तो। ठीक है, पुराना 80 लाख का क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जब तक तो लॉ वाला था नहीं 20 लाख वाला, बट हाँ इतना पता चल गया कि 20 लाख से तो ऑलरेडी ये पहले से विड्रॉ कर चुके हैं ज्यादा, अब यहां पर हम प्रोविजन लगाएंगे। अब देखिए शुरू के 80 लाख पर तो कोई टीडीएस नहीं आया, नो टीडीएस, क्योंकि वहां पर तो लॉ था ही नहीं। अब क्योंकि ये इस कैटेगरी में आ गए हैं कि 20 लाख से ऊपर भी विड्रॉ करते, 20 लाख कब से काउंट करना है, शुरू से काउंट करना है हम लोगों को, हमें देखना है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कितना पैसा विड्रॉ किया है। देखिए जो 194N है ना, मेनली देखो यहां पर कैश विड्रॉ करने से कोई इनकम तो होती नहीं है। हम लोग जितने भी सेक्शंस पढ़ते हैं टीडीएस में, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है आपको, डिविडेंड मिलता है आपको, रेंट मिलता है आपको, टेक्निकल सर्विसेज के पैसे मिलते हैं आपको, इनकम होती है तब टीडीएस के प्रोविजंस आते हैं। बट 194N एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है, यू आर जस्ट विड्रॉइंग योर अमाउंट, आप अपना खुद का पैसा विड्रॉ कर रहे हो, देयर इज नो इनकम एज सच, बट फिर भी टीडीएस आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर सुपरविजन रखना चाहता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो 1-1 करोड़ 20-20 लाख से ऊपर पैसा विड्रॉ करते हैं और अपनी रिटर्न्स कितनी फाइल करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, जो आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, हो तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो अगर आपकी इनकम नहीं है तो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ क्या चाहिए, यहां पर मेनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ऐसे लोग कौन है जो 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं पैसा। ठीक है, तो दिस सेक्शन 194N is not for income, ये इनकम के लिए सेक्शन नहीं आ रहा, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेक्शन आया है। ओके, कमिंग बैक, अब जल्दी से मुझे बताइएगा कि 1 करोड़ वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं 20 लाख वाली, सर 20 लाख वाली क्यों, 20 लाख
रिटर्न टाइम से फाइल नहीं है, ठीक है, रिटर्न इनकी टाइम से फाइल नहीं थी, इसलिए 20 लाख के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था। सर वो 80 लाख विड्रॉ कर गए उसके ऊपर टीडीएस नहीं आया, अरे कोई बात नहीं ना, वो तो 1 जुलाई से पुराना था, उससे पहले तो हमारे पास ये वाला लॉ था नहीं 20 लाख वाला। अब मुझे बताइए 20/9/2020 को जब ये 45 लाख विड्रॉ करेंगे, ठीक है 45 लाख विड्रॉ करेंगे, क्या टीडीएस आएगा? द आंसर इज यस आएगा, ठीक है। मैं अगर ये 45 लाख को एक मिनट के लिए, एक मिनट समझिएगा प्लीज, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा स्लो रहूंगा मैं यहां पर, मैं एक मिनट के लिए 45 लाख को कट कर देता हूं और यहां पर मैं 100 रुपए लिख देता हूं, 100 रुपए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज इसको। 20/9/2020 को ये गए और वहां से अपने अकाउंट से 100 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं थी इनकी, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं थी इनकी। मुझे बताइए क्या यहां पर आप इनका बैंक, एज अ बैंकर, क्या आप इनका टीडीएस डिडक्ट करेंगे? द आंसर इज यस करेंगे सर। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है कि पूरे साल में 20 लाख वाली लिमिट में आ गए हैं, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं थी इनकी सारी रिटर्न, तो 20 लाख से ऊपर ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं सर, टीडीएस डिडक्ट होगा। जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे अब तो सब टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना? 100 रुपए विड्रॉ किया, टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना डिडक्ट होगा? इस 100 रुपए पर भी हम लोग इनका 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, 100 रुपए के ऊपर भी कर लेंगे। क्यों सर? ऑलरेडी पूरे साल में 20 लाख से ऊपर तो जा ही चुके हैं 20 लाख, क्योंकि अभी 1 करोड़ से ऊपर नहीं गया, 1 करोड़ से ऊपर नहीं गया तो 2% ही रहेगा, 1 करोड़ से ऊपर चला गया तो 5% हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हो? मैं तो यहां तक ये बोल रहा था कि अगर यहां पर आकर अगर ये 100 रुपए विड्रॉ करेंगे ना तो वी विल गोइंग टू डिडक्ट टीडीएस 20 लाख वाली लिमिट लगने। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि किस कैटेगरी में जा रहा है ये, 1 करोड़ वाली कैटेगरी में या 20 लाख वाली कैटेगरी में। रिटर्न से पता चलता है रिटर्न टाइम से फाइल नहीं है तो 20 लाख वाली कैटेगरी में, और 20 लाख तो ऑलरेडी हो चुका था सर। पुराने वाले अमाउंट पर भी टीडीएस डिडक्ट करें? नहीं जी, पुराने वाले अमाउंट पर आप नहीं कर सकते क्योंकि उस समय लॉ नहीं था, ठीक है। हाँ, उसको हम अपनी लिमिट में 20 लाख की या 100 लाख की लिमिट में तो कैलकुलेट करते ही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर इन केस ये 100 रुपीस ना होकर लेट से ये 20 लाख रुपीस होता, ठीक है 45 लाख ना होकर, मैंने कट कर दिया एक मिनट के लिए, 20 लाख रुपीस विड्रॉ करते और ये हमारे 20 लाख वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की है, उस केस में शुरू के 80 लाख पे तो कुछ नहीं आता। अब यहां पर इन्होंने 20 लाख विड्रॉ करे हैं, क्या टोटल 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किए हैं अभी? द आंसर इज नो, अभी 1 करोड़ ही हुआ है। तो इस 20 लाख पर पूरे के ऊपर टीडीएस आता, 20 लाख के ऊपर टीडीएस आता एट रेट ऑफ 2%। सब लोग समझ रहे हैं? 20 लाख से ऊपर जितना भी आप विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर टीडीएस आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख पहले से हो चुका था। ऑल्दो हमने टीडीएस पहले डिडक्ट नहीं किया था क्योंकि लॉ चेंज हुआ था 1 जुलाई से, बट ऑलरेडी आप पूरे साल में तो 20 लाख से ऊपर कर चुके हैं ना विड्रॉ, तो हम आपके जितना भी आप एक्सेस ऑफ विड्रॉ करने वाले हैं सबके ऊपर टीडीएस लगा देंगे इस पूरे 20 लाख के ऊपर। सर पुराने 60 लाख पर भी लगाएंगे क्या? 60 कैसे बोल रहा हूँ, 80-20 करके। द आंसर इज नो, पहले प्लीज मत लगाइएगा टीडीएस, बिकॉज ये लॉ आया था 1 जुलाई 2020 के बाद से, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, पुराने वाले अमाउंट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं आ जाएगा, बट हाँ वो हमारी लिमिट में इंक्लूड होता है। अच्छा अब मुझे बताइएगा, अगर यहां पर हमने 21 लाख विड्रॉ करा होता तो क्या होता, और रिटर्न्स टाइम से फाइल्ड नहीं है, मतलब 20 लाख वाली लिमिट में आ रहे हैं। पहले मुझे बताइए शुरू में कितना विड्रॉ किया? 80 लाख, 20 लाख से ऊपर हो चुका था, बट शुरू में तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे नहीं क्योंकि तब तक लॉ में चेंजेस आए नहीं थे। यहां पर आपने अब 1 जुलाई के बाद, यानी कि यहां पर 20 सितंबर को 21 लाख विड्रॉ किए, ठीक है 1 करोड़ से ऊपर हो गया, 80 लाख वो 21 लाख ये 101 लाख हो गया। तो आप इस 21 लाख में से शुरू के 20 लाख पर तो 2% और 1 लाख के ऊपर 5% का टीडीएस आएगा। सब लोग समझ रहे हैं? अब मैं वापस आ रहा हूं पुराने क्वेश्चन पर। अब दोबारा से विनय है, पूरे साल में इन्होंने 80 लाख और 45 लाख विड्रॉ करे, यानी कि टोटल इन्होंने 125 लाख विड्रॉ किए हैं। कौन से वाले प्रोविजंस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 1 करोड़ के 20 लाख, 20 लाख। रीजन बीइंग 20 लाख की कैटेगरी में क्यों आए? बिकॉज अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की थी।
तो शुरू के 80 लाख पे तो कोई टीडीएस नहीं आएगा, वो तो पुराना लॉ था। अब यहां पर 45 लाख विड्रॉ किए हैं, ठीक है सर, शुरू के 20 लाख पर तो यहां पर आ जाएगा, 45 लाख के दो पार्ट करें, 20 और 25, पक्का 20 लाख के ऊपर 2%, 25 लाख के ऊपर 5%, ठीक है। तो लिखा हुआ है द बैंक विल डिडक्ट 2% ऑन 20 लाख एंड 5% ऑन 25 लाख। सबको समझ में आती हैं बातें, ठीक है। 20 लाख से ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे हम, पहले से जा चुके थे, पहले टीडीएस नहीं आया था वो अलग बात थी, बट हमारी लिमिट तो हमारी ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी ना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, अंशुल का बैंक अकाउंट है एसबीआई में, इन्होंने विड्रॉ करे हैं अपने अकाउंट से 10 लाख पहले, 45 लाख अब। अब देखो 10 लाख पहले किए हैं, 45 लाख अब किए हैं, टोटल बताइए कितने किए हैं, 55 लाख, 55 लाख विड्रॉ करे हैं इन्होंने, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? डिपेंड करता है कि ये 20 लाख की कैटेगरी में है या 100 लाख की कैटेगरी में है, इनकी रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 100 लाख की कैटेगरी में आते हैं, अगर उन्होंने अपनी तीनों साल की रिटर्न टाइम से फाइल की थी, तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले 10 लाख था, अभी 45 लाख आया है, 100 लाख से ऊपर गए नहीं है। बट अगर इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की थी, तो फिर हम यहां पर इनका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, तो फिर यहां पर हम इसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इन्होंने रिटर्न, ही हैज नॉट फर्निश्ड ऑल इज रिटर्न विद इन ड्यू डेट, इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की थी, तो अब हम क्या करेंगे इस 10 लाख पर, नो टीडीएस, क्यों? पुराना लॉ था सर, ये तो पुरानी बातें हो रही हैं, 1 जुलाई से पहले की बातें हो रही हैं, यहां पर तो 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था, यहां पर तो करेंगे नहीं। अब यहां पर 1 जुलाई के बाद इन्होंने 45 लाख विड्रॉ किए हैं, और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं हमारे, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की, 20 लाख की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ठीक है 20 लाख के बाद तो टीडीएस जाएगा ना, ठीक है 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है 2% टीडीएस आएगा 20 लाख के ऊपर, कितने 45 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, मुझे बताइए कितने के ऊपर टीडीएस आएगा? सर शुरू के 10 लाख ऑलरेडी जा चुके हैं, इसमें से 10 लाख और हटा दीजिए तो बाकी का 35 लाख होगा, ठीक है। शुरू के 10 लाख मैंने कौन सा लिया है, दिस वन, ये 10 लाख ऑलरेडी जा चुका था, लिमिट में तो काउंट होता है, 45 में से ये 10 लाख और अलग कर दीजिए, 35 लाख के ऊपर टीडीएस आएगा। सब लोगों को समझ में आ गया है? एक बार दोबारा से, 20 लाख की लिमिट में आते हैं, पता चल गया रिटर्न टाइम से फाइल नहीं है, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं है, शुरू के 10 लाख पर नो टीडीएस, 20 लाख की लिमिट देखनी है, ऑलरेडी 10 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है यहां पर, ठीक है यहां से 10 लाख की लिमिट और हटा दीजिए, 10 लाख हो जाएगा पूरा 20, इसके ऊपर भी नो टीडीएस, बट बाकी अमाउंट के ऊपर 35 लाख के ऊपर टीडीएस एट रेट ऑफ 2%, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोमेश है, इनका पीएनबी में अकाउंट है और इन्होंने पैसे विड्रॉ किए हैं 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, पूरे साल में वैसे देखा जाए तो 23 लाख इन्होंने विड्रॉ किए हैं। अगर इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल की थी तो ये 1 करोड़ की कैटेगरी में आएंगे, 100 लाख, फिर तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बट अगर इन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की थी फिर तो टीडीएस डिडक्ट होने वाला है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर पैसा विड्रॉ हुआ है। ही हैज नॉट फर्निश्ड, ठीक है जी, ये भी 20 लाख की कैटेगरी में आएंगे। अब देखते हैं, 1 जुलाई से पहले पहले 10 लाख विड्रॉ किया, नो टीडीएस, क्यों? अभी सिर्फ 10 लाख ही विड्रॉ किया है, वैसे भी जुलाई से पहले तो लिमिट हमारी 1 करोड़ होती थी। फिर जुलाई के बाद इन्होंने 8 लाख विड्रॉ किए हैं, नो टीडीएस, व्हाई नॉट? सर अभी 20 लाख की लिमिट हमारी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, क्योंकि 10 लाख लिमिट में तो 10 लाख भी आएगा, 8 लाख भी आएगा, 18 लाख हुए हैं सर, अभी कोई टीडीएस नहीं आएगा। यहां पर 5 लाख विड्रॉ करे हैं, तो ऑलरेडी 10 और 8 18 हो चुके थे, 2 लाख यहां से और छोड़ दीजिए तो बाकी के 3 लाख के ऊपर टीडीएस आएगा एट रेट ऑफ 2%, ठीक है। 3 लाख के ऊपर यहां पर टीडीएस आने वाला है एट रेट ऑफ 2%। सब लोग समझ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये, आप, मैं चाहूंगा, मैंने अभी आपको ओरली करा दिया, पर मैं चाहूंगा कि आप इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, देखिएगा। मिस्टर अभी मेंटेन 2 बैंक अकाउंट्स, 1 करंट अकाउंट विद आईसीआईसी बैंक
फॉर हिज बिजनेस एंड अ सेविंग अकाउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से, बट इनका आईसीआईसी बैंक में एक अकाउंट है, एक एचडीएफसी में, दोनों को अलग अलग देखना है, 1 करोड़ की लिमिट या 20 लाख की लिमिट दोनों के लिए अलग अलग देखनी है, अलग अलग बैंक हैं। हाँ, अगर आईसीआईसी में 2-3 ब्रांचेज होती तो उसका क्यूमुलेटिव देख सकते थे, बट यहाँ पर आईसीआईसी को अलग लिमिट देखनी है, एचडीएफसी के लिए अलग लिमिट देखनी है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज विड्रॉल फ्रॉम दीज अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है, कितना कितना विड्रॉ किया है, 15/4/2020 को 22 लाख, 34/2020 को एचडीएफसी से 12.5, 14/8 को 26 लाख। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सब लोग समझ गए मैंने लाइन ड्रॉ क्यों की है। ठीक है, ये दिस इज बिफोर जुलाई वाले प्रोविजन से यहां पर, और यहां पर आफ्टर जुलाई वाले प्रोविजन से। पहले मुझे देखना पड़ेगा ये 20 लाख की कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर 1 करोड़ की कैटेगरी में आ रहे हैं। ही हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 1920 ऑन और बिफोर द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब, 2 साल की रिटर्न तो टाइम से फाइल की गई है, और हाउएवर असेसमेंट ईयर 18-19 और 17-18 की रिटर्न लेट फाइल हुई है। अच्छा, मुझे बताइए पहले, सबसे पहले इनके लिए 3 साल कौन से देखने हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021 के बारे में, कि इस साल का हमें टीडीएस देखना है, तो इससे पहले वाले 3 साल कौन से देखे जाते हैं जिसकी आपकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी हो, तो कौन से बनते हैं, क्या वो 1920 बनता है, प्रीवियस ईयर 1920 बनता है? नो, द आंसर इज नो, क्योंकि उसकी ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं होती। कौन सा ईयर बनेगा, प्रीवियस ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 1718, प्रीवियस ईयर 1617, पक्का? यानी कि अगर मुझे असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखना हो इसको, तो आई विल राइट असेसमेंट ईयर 1920 हमें देखना है, असेसमेंट ईयर 1819 देखना है, असेसमेंट ईयर, मैंने कुछ नहीं करा, बस सिर्फ असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया। तो आपको ये 3 असेसमेंट ईयर की देखनी है कि रिटर्न टाइम से फाइल हुई थी, अगर तीनों की टाइम से फाइल हुई थी तो 100 लाख की लिमिट लगेगी, अदरवाइज तो 20 लाख की लिमिट लगेगी, बट पता चला कि असेसमेंट ईयर 18-19 और 17-18 की तो बिलेटेड हुई थी, असेसमेंट ईयर 17-18 दिस वन और दिस वन लेट रिटर्न थी, यानी कि इनके ऊपर लगेगी 20 लाख की लिमिट, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, 20 लाख की लिमिट लगने वाली है इनके ऊपर, पक्का? सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि कैटेगरी कौन सी आ रही है, 20 लाख या 1 करोड़। ओके, अब प्लीज मुझे बताइए टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बिफोर आईसीआईसी बैंक देखते हैं, चलिए आईसीआईसी बैंक को पहले देखते हैं। 20 लाख की लिमिट है, देखो 20 लाख की लिमिट है, बट वो लिमिट कब देखनी है आपको, 1 जुलाई के बाद वाला, ये जो मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ करी है इसके बाद, दिस इज ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020 देखना है हमें, दिस वन, इसके लिए लगानी है। अब मुझे बताइए आईसीआईसी बैंक से शुरू में 22 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, 22 लाख शुरू में 22 लाख विड्रॉ किए थे, क्या इसके ऊपर टीडीएस आएगा? नहीं सर, शुरू में तो 1 करोड़ देखते थे, 1 जुलाई से पुरानी बातें कर रहा हूं, वहां तो 1 करोड़ देखते थे, तो यहां पर तो कोई टीडीएस नहीं आएगा, नो टीडीएस। बट इसके बाद 1 जुलाई के बाद अगर इन्होंने 100 रुपए भी विड्रॉ करे ना, अगर इन्होंने 100 रुपए भी विड्रॉ करे तो भी हम टीडीएस लगाने वाले हैं उसके ऊपर 2%। क्यों? क्योंकि इनके लिए 20 लाख की लिमिट है, तो यहां पर इन्होंने 26 लाख विड्रॉ करे, फिर 12.5 लाख विड्रॉ करे, 17 लाख 10 हजार विड्रॉ करे, 29 लाख 40 विड्रॉ करे, 8 लाख 50 हजार विड्रॉ करे, आप इन सबके ऊपर टीडीएस लगा दीजिएगा, ठीक है? जब तक 1 करोड़ नहीं होता, ये जब तक 1 करोड़ नहीं होता, यहां से 1 करोड़ काउंट करना है, शुरू से करना है, शुरू से करना है, लिमिट काउंट करने तो शुरू से करनी है आपको। जब तक ये 1 करोड़ नहीं होता टीडीएस लगाते रहिए 2%, 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो लगा दीजिएगा 5%, ठीक है? कैसे करेंगे, एक इजी तरीका बताऊं, सबसे पहले मुझे बताइए कि टोटल कितना पैसा विड्रॉ हुआ, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बताइए टोटल कितना पैसा विड्रॉ हुआ पूरे साल में। सर यहां पर 22 लाख, यहां पर 26 लाख, 12.5 लाख, 17 लाख 10 हजार, 29 लाख 40 हजार और 8.5 लाख, काउंट करिए इसको, 22 लाख प्लस 22 ही लिख लीजिए बस, 22 लाख प्लस 26 लाख प्लस 26 प्लस 12.5
प्लस 17.1 प्लस 29.4 प्लस 8.5। पता चला कि टोटल इन्होंने विड्रॉ किया आईसीआईसीआई बैंक से टोटल विड्रॉ हुआ है हमारा 115.5 लाख। ठीक है, 115,50,000। इतना पता चल गया कि 1 करोड़ से तो ऊपर हुआ है, तो जितना 1 करोड़ से ऊपर हुआ है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, 5% आएगा। तो एक काम कर देता हूं मैं, 15.5 लाख के ऊपर तो 5% टीडीएस आएगा। सब लोग समझ गए? और बाकी के अमाउंट पर सर 115 माइनस 15.5 बाकी के अमाउंट पर 2% आएगा कि नहीं? नहीं। एक काम कीजिए, बाकी अमाउंट कितना बचा? बाकी बचा 100 लाख। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, आईसीआईसीआई से विड्रॉ हुआ टोटल 115.5 लाख। ठीक है, बिफोर 1 जुलाई, बिफोर 1 जुलाई और आफ्टर 1 जुलाई, आप इसको बाद में बना भी लीजिएगा। ठीक है, बिफोर 1 जुलाई कितना हुआ और आफ्टर 1 जुलाई कितना हुआ? ठीक है, और आफ्टर 1 जुलाई में भी इसके मैं दो पार्ट कर रहा हूं, क्योंकि 2% भी होना है और 5% भी होना है। पक्का समझ को सबको समझ में आ रहा है? बहुत इजी तरीका है ये वाला। इस तरीके से सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि इनके ऊपर लिमिट कौन सी लगनी है, 20 लाख या 100 लाख। तो पता चला 20 लाख। वो कैसे डिसाइड होगा? इनकी रिटर्न से। अब आ जाइए कि 1 जुलाई से पहले कितना विड्रॉ किया और 1 जुलाई के बाद कितना विड्रॉ किया, आफ्टर 1 जुलाई, बिफोर 1 जुलाई और आफ्टर 1 जुलाई। और आफ्टर 1 जुलाई के मैंने दो पार्ट करे, 2% वाला भी 5% वाला भी। ये पता चला कि आईसीआईसी बैंक से 115.5 लाख तो इन्होंने विड्रॉ करा है, 115.5 लाख विड्रॉ करा है, 100 लाख से ऊपर करा है। 100 लाख से ऊपर कितना हुआ है? 15.5 लाख। वो तो इसके ऊपर तो आप सीधा सीधा 5% लगा दीजिएगा, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पक्का? यहां पर 15.5 लाख पर सीधा 5% आ गया। अब देखिए, 115 लाख में से 15.5 लाख पर तो 5% आ गया, तो बाकी पर 2% आएगा क्या? नहीं। 1 जुलाई से पहले वाले पर तो कोई टीडीएस नहीं था, क्योंकि वो 1 करोड़ से कम था। कितना था वो 1 जुलाई से पहले? पहले 22 लाख, 22 लाख यहां पर था। तो आप 115 लाख के आपके पार्ट्स कर दिए आपने, यहां पर हुआ 22 लाख, उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं था, जुलाई से पहले था, और वैसे भी हमारी लिमिट 1 करोड़ होती थी यहां की, यहां पर कोई टीडीएस नहीं। 100 लाख से ऊपर जा चुके हैं वो आप, यानी कि कितना ऊपर गए हो? 15.5 लाख पर, इस पे टीडीएस आएगा 5%। कितना बचा यहां पर? यहां पर बचा हमारे पास 115.5 में से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, 115.5 माइनस 15.5 माइनस 22 लाख ये आ जाएगा 78 लाख। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका होता है अगर एमसीक्यू आ जाए उसको सॉल्व करने का। 78 लाख पर 2% और 15.5 लाख पर 5%। शुरू के 22 लाख पर कुछ नहीं। सर ये तो शुरू का 20 लाख ही छोड़ना था। अरे 20 लाख छोड़ना तो था, बट शुरू में कितने विड्रॉ करे थे उन्होंने? 22 लाख। 22 लाख पे तो शुरू में कोई टीडीएस नहीं आएगा, बिकॉज उसके ऊपर पुराने प्रोविजंस थे। सब लोग समझ रहे हैं? बिकॉज यहां पर हमारे पुराने प्रोविजंस थे, यहां पर तो हम 100 लाख की लिमिट लेते थे, 100 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी, तो वो तो पूरा का पूरा टीडीएस से छूट गया। बट हाँ, उसके बाद अगर कुछ भी पैसा विड्रॉ होगा तो उसके ऊपर टीडीएस जाने वाला है। तो हमारे यहां पर 78 लाख विड्रॉ हुए यहां तक, तो इसके ऊपर तो 2%। अब टोटल हो चुका है 22 प्लस 78, 100 लाख पूरा हो चुका था यहां पर, उसके ऊपर 15.5। मैंने इसी क्वेश्चन को ना एक और तरीके से सॉल्व किया है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव वैल्यू लेना, पहले 22 लाख विड्रॉ करें, फिर 26, फिर 12.5, 17.1, 29.4, फिर 8.5। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक से ऐसे विड्रॉ करें, तो मैंने एक और कॉलम बना लिया था। अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, क्यूमुलेटिव का कॉलम बना दीजिए। यहां पर शुरू में 22 लाख विड्रॉ हुआ, फिर 22 प्लस 26, 48, फिर 22 प्लस 26 प्लस 12.5, 60.5, फिर 77.6, क्यूमुलेटिव का कॉलम बना लिया। ठीक है,
और जैसे ही वो 100 लाख से ऊपर हुआ 5% टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर ये 77.6 क्यूमुलेटिव का कॉलम बना था, इसके ऊपर 10, इसके बाद जब 29.4 ऐड हुआ तो 107 लाख हो गया। तो पता चला 100 लाख से ऊपर चला गया, तो कितना ऊपर गया, 7 लाख। तो 7 लाख के ऊपर 5% देखिए, और बाकी जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर तो 5% जाएगा ही जाएगा। तो 5% जा रहा था यहां पर, ये रहा 5%, 7 लाख के ऊपर आया, 8.5 लाख के ऊपर आया, और बाकी के अमाउंट के ऊपर 2% कटता रहा, बट शुरू के 22 लाख पर नहीं कटेगा। रीजन बीइंग, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर टीडीएस क्यों नहीं आया था, इसके ऊपर टीडीएस क्यों नहीं आया था यहां पर, ठीक है, इसके ऊपर टीडीएस क्यों नहीं आया, सर ये 1 जुलाई से पुराना था, यहां पर तो 100 लाख की लिमिट थी, तो नो टीडीएस एज न्यू सेक्शन 194 वाज नॉट इनटू इफेक्ट। यहां पर जो अमेंडमेंट के साथ था 194N, वो इफेक्ट में नहीं था, इसलिए यहां पर तो टीडीएस नहीं आया था, बट बाद में टीडीएस आ गया, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझ में आता है, एमसीक्यू आता है तो फटाफट इस तरीके से कर सकते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं। एचडीएफसी का देख लें एक बार, एचडीएफसी से टोटल कितना विड्रॉ हुआ, 12.5, 16 और 18.1, 12.5 लाख प्लस 16 लाख प्लस 18.1, टोटल विड्रॉ हुए 46.6 लाख, 46.6 लाख विड्रॉ हुए। टीडीएस आएगा, हाँ आएगा, 20 लाख के ऊपर टीडीएस आता है। अब मुझे बताइए, ये लाइन है हमारी, इससे पहले पहले 12.5 लाख विड्रॉ हुए, छोड़ दीजिएगा कोई टीडीएस नहीं, और इनफैक्ट 20 लाख तक छोड़ना है, तो 12.5 लाख विड्रॉ हुए इसको भी छोड़ दीजिएगा, और इसके बाद 7.5 लाख को और छोड़ देना है आपको, 7.5 लाख क्यों, क्योंकि टोटल 20 लाख आना चाहिए, तो 12.5 लाख ये इसको छोड़ दीजिएगा, और नेक्स्ट 7.5 लाख तक छोड़ दीजिएगा, उसके ओवर एंड अबाउट टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर 15,920 को 16 लाख विड्रॉ किए गए, तो क्या इस 16 लाख पर पूरे पर टीडीएस लाएंगे, नहीं सर, 20 लाख की लिमिट तो देनी है ना, 20 लाख तक, फर्स्ट 20 लाख तक तो नो टीडीएस, तो 12.5 पर नो टीडीएस था, और यहां से 7.5 लाख और हटा दीजिए, तो इसमें आ जाएगा 16 माइनस 7.5, 8.5 लाख, यहां पर 8.5 लाख पर टीडीएस डिडक्ट करना 2% का, और यहां पर 18.1 के ऊपर तो करना ही करना, वो तो 20 लाख से ऊपर अब जा चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर 2% आएगा, यहां पर 8.5 के ऊपर और यहां पर 18.1 के ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये रहा इसका टेबल, मैंने क्यूमुलेटिव का भी कॉलम बना दिया है। तो शुरू के 12.5 लाख पर तो कोई टीडीएस नहीं आएगा, फिर 16 लाख विड्रॉ करें, मतलब क्यूमुलेटिव हो गया 28.5, तो शुरू के 20 लाख तो छोड़ने थे, सिर्फ 8.5 लाख पर आएगा 2%, और बाकी 18.1 तक भी 2% ही आएगा, 1 करोड़ से ऊपर गया नहीं तो 5% नहीं आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये 194N, ठीक है, 194O शुरू करना है, बट अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, मुझे कुछ ना 194N की थ्योरी भी बतानी है, दिस वन एमसीक्यू के लिए आ सकती है ये, ठीक है, कहाँ कहाँ पर 194N नहीं लगते, तो एक काम करते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आई कंटिन्यू दिस इन माय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। 194N को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अभी आधा घंटा और दीजिएगा, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक बार या दो बार जरूर करिएगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।